Really, whatever you have told is very, very true. Thank you, Asha ma'am. I now request Ms. Anita Jain to come on stage. She bags the Lifestyle Queen Award. Please put your hands together for Anita Jain. गुड मॉर्निंग टू ऑल और सभी को मेरा नमस्कार. मैं आशाष्टा आप सभी का स्वागत करती हूँ ऑनलाइन वेबिनार में जो कि हमने आज ऑर्गेनाइज की है 90 डेज वेट लॉस चैलेंज के लिए. जी हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है. पिछला वाला रिजल्ट जिन्होंने अचीव किया है, उन्होंने कमाल का रिजल्ट अचीव किया है. जो आगे करना चाहते हैं या जो जानना चाहते हैं, लेकिन करने के पहले आपका जानना भी जरूरी है कि इस प्रोग्राम में क्या होगा, 90 डेज क्या होता है, ये कैसे कंप्लीट होता है. इसके बारे में बहुत सारे आप लोगों के मन में प्रश्न हैं, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं और होनी भी चाहिए. यदि आप कुछ करना चाह रहे हैं, अपने लाइफ को बदलना चाह रहे हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो किस प्रक्रिया से आप होकर गुजरेंगे, उस प्रक्रिया के बारे में आपके लिए जानना जरूरी है. हमारा पिछला कार्यक्रम, अब तक हम 6 प्रोग्राम कर चुके हैं, 6 अनलोड हमारा कंप्लीट हो चुका है. जो सबसे पहला था वो हमने फैशन शो के रूप में किया था, उसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के साथ साथ वेट लॉस और उनको कैटवॉक की ट्रेनिंग भी दी थी और एक फैशन शो के रूप में उस प्रोग्राम को कंप्लीट किया था. उसमें भी बहुत अच्छा वेट लॉस हुआ था लोगों का. उसके बाद जो अगला प्रोग्राम हुआ, वहां से हमने इसको बहुत सीरियसली रूप में इसे आगे बढ़ाया क्योंकि लोगों को बहुत बेनिफिट हुए थे और लेडीज ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और प्रोग्राम को बड़े जबरदस्त रूप से सफल बनाया. उसके बारे में आगे जाने से पहले मैं उन सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और आप सभी का वेलकम करती हूँ. मैं आशाष्टा, वेट लॉस एक्सपर्ट. मेरे साथ आप लोग योग क्लास में अधिकतर लोग जुड़े हुए हैं, जो पुराने भी हैं, जो ओल्ड अग्निशक्ति स्टूडेंट हैं, योगीज हैं, जो हमारे सेंटर में आया करते थे, फिजिकली रूप में वर्कआउट करते थे हमारे साथ और 90 डेज के भी हिस्सा थे. और उसके अलावा जो हमारी योग क्लास वहां पर चलती है उसका भी बड़े समय से, लंबे समय से हिस्सा रहे हैं. अग्निशक्ति योग नाम की योग क्लास को मैं कम से कम 10 सालों से चला रही हूं. अपने बिल्डिंग के किटी के ग्रुप से एक छोटा सा प्रयास था जिसके, क्योंकि मुझे वर्कआउट करने का बहुत शौक था. योग की मैं दीवानी हूं, ये मेरा पैशन है, जिससे कि मुझे एक ग्रुप मिल जाए और मेरा मिस ना हो. सिर्फ इसी वजह से मैंने अपना योग क्लास महिलाओं के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ ही मिलकर शुरू किया, एक छोटे से गार्डन से हमारी जो बिल्डिंग के नीचे ही है. और धीरे धीरे 10 सालों के भीतर वो अब इतना बड़ा रूप ले चुका है कि पहले वो कांदीवली स्थित ठाकुर कॉम्प्लेक्स और विलेज तक ही सीमित था, लेकिन जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, कोरोना लॉकडाउन की वजह से अब ये दायरा पूरे विश्व में फैल चुका. एक तरह से
कोरोना वायरस का आना और सभी लोगों का जीवन पूरी तरह बदल चुका है। हमारे पूरे विश्व के हर एक व्यक्ति का जीवन पूरी तरह बदल चुका है। सभी लोगों को अपना काम घर में रहकर ही करना पड़ रहा है। शुरू के 15-20 दिन तक तो कुछ समझ में ही ना आया, योग क्लास बंद हो गई है, वेटर्स चैलेंज बीच में ही अटक गया, अब उसका क्या करें। लेकिन धीरे धीरे पता चला कि इस तरह की ऐप आ रही है जिसमें आप बहुत सारे लोगों को जोड़ सकते हो। उस ऐप के बारे में थोड़ा सा जानना और शुरू कर दिया योग क्लास को घर से लेना। बहुत सारी दिक्कतें शुरू के एक हफ्ते दो हफ्ते तक आई। सबसे पहले जूम की फ्री ऐप में किया। बहुत सारे लोग डरते थे कि जूम ऐप हमारे लिए फायदेमंद है कि नहीं, नुकसान ना हो जाए, कोई परेशानी ना खड़ी हो जाए। लोगों को विश्वास दिलाना पड़ा कि जूम ऐप में कोई भी डर नहीं है। फिर बाद में ये हुआ कि चाइनीज ऐप है, लेकिन बाद में ये भी सिद्ध हो गया कि वो चाइनीज ऐप नहीं है, अमेरिकन ऐप है, क्योंकि चाइना के प्रति पूरे विश्व में जो गुस्सा है और वो गुस्सा वाजिब भी है, जरूरी भी है और ठीक भी है। इसके अलावा जब हम आगे बढ़े इस प्रोग्राम को लेकर, ये योग क्लास हमने मार्च से शुरू कर दी थी, इस योग क्लास को हमने मार्च से शुरू कर दिया था जो कि अब तक चल रही है और 15 अगस्त तक चलती रहेगी। उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगी 90 डेज में, क्योंकि बहुत सारे लोग योग क्लास से जुड़े हुए हैं जिसको हमने फ्री रखा हुआ है। फ्री इसको तो मैं आगे तक भी रखना चाहती हूँ फ्री, लेकिन जब तक मैं इसको एक ऐसा स्वरूप ना दे दूं, एक कंप्लीट पैकेज, एक कंप्लीट प्रोग्राम जो यही होगा, यदि आप बिना 90 डेज या कोई किसी एक डिफाइन के अंतर्गत अगर आप ये योगा करते हैं या कोई भी वर्कआउट करते हैं, उसका बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं होता है। ये बात सच है, थोड़ा सा बेनिफिट होगा, 1 या 1 kg या 2 kg या 3 kg वेट रिड्यूस होगा, वो भी मंथली। जिन लोगों ने तब से लेकर अब तक योगा क्लास ज्वाइन किया है, जो भी वर्कआउट वो मेरे साथ कर रहे हैं, उन सभी का कम से कम 4-5 kg रिड्यूस हो चुका है। लेकिन अब उनके प्रश्न आते हैं मेरे पास कि तो 4-5 kg के बाद में अब तो आगे वेट लॉस हो ही रहा, हमारा रुक गया, अब हम क्या करें आगे। एक मिनट जरा किचन का डोर बंद कर दो और बेल भी बंद कर देना। वेट लॉस होना हमारा लोगों का रुक गया, इस जो हम योग क्लास के दौरान उनके प्रश्न आए, लगातार मेरे पास अभी भी प्रश्न आते हैं कि अब मैं क्या करूं, वेट लॉस हमारा नहीं हो रहा। और उन लोगों को धीरे धीरे हमारे फेसबुक के थ्रू और हमारे कार्यक्रम के थ्रू, और मैं जैसे बताती रहती हूँ उसके अनुसार, सभी को ये पता है चला है 90 डेज नाम का कोई इस तरह का कार्यक्रम है, और वे सभी चाहते हैं कि वेट लॉस हो, लेकिन कोई भी जिम, कोई भी योग क्लास, ये सब असफल रह चुकी है। ये बात सच है, ये सब आपको टेम्पररी आपको वेट लॉस कराती है, सही तरीका क्या है ये आपको नहीं बताते। इस चक्रव्यूह में हर एक महिला फंस चुकी है, महिला क्या पुरुष भी बहुत फंस चुके हैं, लेकिन वो अपने काम में बिजी होते हैं इसलिए बहुत चीजों को वो ध्यान नहीं देते। लेकिन महिलाएं खासकर, एक तो वजन बढ़ गया होता है, कितनी तरह की शारीरिक बीमारियां घेरे हुए हैं महिलाओं को, शारीरिक जैसे कि डायबिटीज, आर्थराइटिस, उसके अलावा स्लिप डिस्क, सर्वाइकल, थायराइड, और न जाने कितनी कितनी तकलीफें मानसिक और शारीरिक। इसके अलावा यूट्रस से संबंधित, यदि पीरियड से संबंधित, मेनोपॉज से संबंधित, इसियों से संबंधित सैकड़ों बीमारियां हैं। इतना ही नहीं, सिंपल एसिडिटी जिसको आप लेते हो बहुत तकलीफ देह होती है, एसिडिटी है, हाइपर गैस है, डकार आना है, सिर में दर्द होना, ये कहने के लिए तो लगता है बहुत हल्का फुल्का है, आप मुझे कोई बीमारी नहीं है ऐसा आप सोचते हो, लेकिन एक्चुअली ये भी बहुत तकलीफ देह है। सिर दर्द तो आपको महीनों और सालों तक नहीं होना चाहिए, यदि आपको होता है साल में एक बार या महीने में एक बार, इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं शरीर के अंदर कोई कमी है, कोई दिक्कत है, और ये योग और व्यायाम से आप कुछ हद तक तो ठीक कर सकते हो, लेकिन 100% क्योर नहीं कर सकते। इन बीमारियों को कंट्रोल में रख सकते हो, लेकिन रिवर्स करना है और इनको कंट्रोल के अलावा पूरा पलट देना है। डायबिटीज को ठीक करना हो, चाहे हड्डियों से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम को ठीक करना हो, चाहे मानसिक शारीरिक किसी भी तरह की बीमारी को ठीक करना हो, ऐसे में 90 डेज वेट लॉस चैलेंज सच में काम आता है।
यो क्लास तो आप मेरे साथ कर ही रहे हो 2 महीने से 3 महीने से, डेफिनेटली आप लोगों को मेरे टिप्स की वजह से या योग मैं जिस तरीके का करवाती हूँ उससे आपको बहुत बेनिफिट हुआ है। लेकिन 100% अगर बेनिफिट चाहिए वो अधूरा है, वो प्रोग्राम इनकम्प्लीट है, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारी महिलाएं जो हमारे 90 डेज से नहीं जुड़ी हुई हैं, जो केवल योग के थ्रू और ऑनलाइन क्लास शुरू होने के बाद हमसे जुड़ी हुई हैं, उनके साथ बहुत सारी, क्योंकि व्याधियां हैं, बहुत सारी परेशानी, मुश्किल से मुझे लगता है इतनी महिलाओं में जो 2-4 ही होंगी कुल मिला के इतनी बड़ी संख्या में जिनको कोई भी परेशानी नहीं है, या योग कुचिया जो कम उम्र की है, कम उम्र मतलब 24-25 साल तक तकलीफें, शारीरिक परेशानियां, समस्याएं बहुत कम होती हैं, क्योंकि नेचर आपका साथ देता है। लेकिन जैसे कभी कभी छोटी मोटी परेशानियां आती है, लेकिन हम उसको तुरंत ही सुलझा लेते हैं। ऑनलाइन होने से सुविधाएं तो बहुत ही बढ़ चुकी है, एक्चुअली इतनी सही सुविधा में कि मैं भी घर पे हूँ और आप भी घर पे हैं, और अपना काम वगैरह निपटा के आप सब इस वेबिनार में आप जुड़े हुए हैं। तो मैं जहां थी कि कम, लेकिन हम सोचते हैं कि कम उम्र की महिलाओं को या लड़कियों को किसी तरह की परेशानी नहीं है, एक्चुअली उन्हें भी है। पीसीओडी की जो बीमारी है, समस्या है, ये कम उम्र से ही 14-15 साल की पीरियड शुरू होने के 1-1.5 साल से ही उन लोगों को, आजकल इन बच्चियों को ये परेशानियां शुरू हो जाती हैं। और उम्र बढ़ने के साथ साथ, क्योंकि एक दिक्कत आपके हार्मोन इम्बेलेंस हो गए, आपके पीरियड से रिलेटेड संबंधित कोई समस्या आई, और वह समस्या फिर धीरे धीरे दूसरे रूप में आगे बढ़ने लगती है और दूसरे शारीरिक समस्याओं का रूप ले लेती हैं। कोई भी उम्र अभी अछूती नहीं है, 15 साल से लेकर 70, 80, 90 साल, इतना समय तो आई थिंक 84 इयर्स की जो सबसे उम्र दराज महिला है वो हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी हुई है, उनका एज 84 है और वो बहुत बढ़िया एरोबिक्स इवनिंग के दौरान करती हैं। और मैं भी उम्मीद करती हूँ कि हम भी जब इस उम्र के हो जाए 80-90 उम्र के, तो एनर्जी लेवल और यंग इसी तरह बने रहे हम फ्यूचर में भी। हर उम्र की महिलाएं समस्याओं से परेशान हैं, उससे पूरी तरह छुटकारा पाने का 100% जी हाँ पॉसिबल है इस कार्यक्रम के द्वारा जो मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले हमारे पिछले कार्यक्रम में जिन लोगों को रिजल्ट मिला या बेनिफिट हुआ, उन लोगों को क्या फायदा हुआ इस कार्यक्रम में जो कि हमारा हाईली सक्सेसफुल रहा, इतना ज्यादा कमाल का अचीवमेंट रहा, जो वेट लॉस हुआ, सबसे ज्यादा वेट लॉस कम से कम इस लॉकडाउन के दौरान ये कार्यक्रम 90 डेज जो चैलेंज था हमारा कुछ दिनों के लिए बढ़ गया, जिसमें कि टोटल वेट लॉस 21 kg के लगभग इस दौरान किया विनर ने। उसके अलावा हेल्थ बेनिफिट भी हुए, जिसमें कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आया, नॉर्मल हुआ, बहुत सारी महिलाओं का थायराइड रिवर्स हो गया। ये हमारे थायराइड का प्रॉब्लम बहुत सारी 80-90% महिलाओं को है, और इस प्रोग्राम में जितनी भी महिलाएं जुड़ी उसमें से अधिकतर लोगों का या तो बिल्कुल खत्म हो गया या बिल्कुल रिड्यूस हो गया। इसके अलावा डायबिटीज, जो यदि पिछला एक इंटरव्यू देखा होगा
जिसमें कि फीमा शांडिल जी का नाम मैं जरूर लेना चाहूंगी, हर बार लेती हूँ। उनका बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पे था, 300 से ज्यादा उनका डायबिटीज था, जो उन्हें लगातार वे 90 डेज प्रोग्राम से जुड़ी रही कई महीनों तक, और उन्होंने उसको एब्सोल्यूट नॉर्मल कर लिया। उनको भी थायराइड था, उन्हें हार्निया का भी प्रॉब्लम था, उसके अलावा उनको कई ऑपरेशन भी हो चुके थे, बहुत सारी समस्याओं से वो गुजर रही थी, और उसके साथ डायबिटीज, दिन भर में कई मेडिसिन खानी पड़ती थी, वे सारी की सारी मेडिसिन बंद हो चुकी हैं। उनसे आप चाहे तो इस बारे में जानकारी भी ले सकते हैं, वो अक्सर हमारे हमारे कुछ वीडियोस हैं, उनमें भी वो फेसबुक पे आपको समय समय पे दिखाई देती रहेंगी उनके अपने एक्सपीरियंस। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल बहुत रिड्यूस होता है इस प्रोग्राम में, जिसमें कि हमारे रिकॉर्ड है हॉस्पिटल के साथ, जो ब्लड टेस्ट करवाया जाता है उनका बिफोर एंड आफ्टर कोलेस्ट्रॉल लेवल में कितना रिड्यूस हुआ, उसके बारे में हमारे पास प्रूफ के साथ में हमारे पास रिजल्ट है। उसके अलावा फैटी लिवर, जी हाँ, फैटी लिवर भी जो बहुत हाई लेवल पे समस्या थी वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो गई। इतना ही नहीं, स्ट्रेस, डिप्रेशन और चिंताएं महिलाओं के पीछे तो हाथ धो के पड़ी होती है। जो स्ट्रेस से आपको मुक्ति मिलती है, जो डिप्रेशन से आप बाहर आते हो, हर वक्त रोना, खींचना, दुखी होना, चिड़चिड़ाना, इन सारी परेशानियों से आप पूरी तरह मुक्त हो जाते हो, और उसका असर किस पर होता है? आपकी फैमिली पर, आपके घर पर। आपके बिहेवियर का असर आपकी फैमिली पर दिखाई देता है, उससे आप ऐसी परेशानियों से आप मुक्त हो जाते हो, और घर का वातावरण थोड़ा सा अच्छा और खुशियों भरा हो जाता है, क्योंकि खींच, चिड़चिड़ापन, लड़ाई झगड़ा, गुस्सा और बात बात पे रोना, ये खास महिलाओं की आदत जब शरीर में कोई डेफिशिएंसी होती है उसकी वजह से पनपती है। ये एक समस्या है, एक शारीरिक तकलीफ है। यदि वो आप अपने बारे में समझें और इस प्रोग्राम से जुड़ेंगी तो आप देखेंगे ये समस्याएं जड़ से बिल्कुल खत्म हो गई हैं। इतना ही नहीं, एनर्जी लेवल भी, जितने भी लोगों ने 90 डेज में अचीव किया है उनका एनर्जी लेवल जबरदस्त बढ़ा है। एक सपना मखरिया जी अभी भी हमारी क्लास में इस समय भी जुड़ी हुई है, यदि आप कुछ लोग अगर उनको देख सकते हो, सपना मखरिया जी के खुद के शब्दों में इनके साथ भी हमारा एक वीडियो है, जिसमें इन्होंने कहा है शरीर की हर एक परेशानी, सिर से लेकर पांव तक इन्हें हर तरह की तकलीफ। जब इन्होंने शुरू किया तो मैंने भी एक्चुअली पहली बार इनको मना कर दिया कि नहीं, इतनी सारी तकलीफें हैं, आप के लिए मुश्किल है इस प्रोग्राम को कंप्लीट करना, कहीं आपकी दिक्कतें बढ़ ना जाए। लेकिन वो मन की मजबूत थी, परिश्रमी है, बहुत लगन वाली है, और उन्होंने जिद करके इस प्रोग्राम को, इसको शुरू किया। शुरू में परेशान भी हुई कुछ दिन, क्योंकि जो वर्कआउट दूसरे लोग करते थे, और वो कहती थी मुझे आके कि ये लोगों का वजन कम हो जाएगा, मेरा कैसे कम होगा। आप बिलीव नहीं करेंगे, विद इन 15 डेज के बाद मैंने जो उनमें चेंजेस देखे, जो नेगेटिव और वो नेगेटिव थॉट्स और अपने आप को लेकर जिस तरीके से वो परेशान थी, वो अचानक ही 15-20 दिनों के अंदर उनके चेहरे की स्माइल, उनके चेहरे की खुशी, उनकी बातें अचानक से पॉजिटिव हो गई, और वो बहुत बढ़िया, अचानक से वो मुझे बहुत एनर्जी वाली लगने लगी। और वो इम्प्रूवमेंट हम सभी ने, जितने भी लोग हैं उस क्लास में, जितने भी थे स्टूडेंट, जितने भी ट्रेनर्स, उन सभी ने उनके अंदर वो बदलाव महसूस किया, और टॉप 15 के अंदर वो इस कॉम्पिटिशन में उनको एक अवार्ड भी मिला, जो अगर मौका लगेगा तो हम फेसबुक पर उनका भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे, और उनके अपने शब्दों में जो उन्होंने बदलाव महसूस किया। इस तरह का प्रेरणा आप दूसरों को भी देने लगते हैं, फिर धीरे धीरे दूसरों को भी प्रेरित करते हैं, उनको देखकर और भी महिलाएं जुड़ी इस कार्यक्रम में। ये भी किसी और के थ्रू ही आई थी, जिन्होंने, किसी ने कहा था इनको कि आप इस कार्यक्रम को जरूर ज्वाइन करो, हो सकता है आपको इसमें बेनिफिट हो। तो ये तो सपना मखरिया जी का, केवल उनका ही नहीं, बहुत सारी महिलाओं का एक्सपीरियंस है। हमारे 6 एडिशन कंप्लीट हो चुके हैं। पहले वाले को हम नंबर 1 इसलिए नहीं दे पाते हैं क्योंकि तब तक हमने उसको टाइटल और नाम नहीं दिया था। यदि हम फैशन शो वाले को काउंट करते हैं, इस तरह से हमारे 6 एडिशन कंप्लीट हो चुके हैं। ये केवल महिलाओं के लिए ही है ये कार्यक्रम, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि, क्योंकि मैं देखती हूँ योग क्लास में
लेडीज तो योग कर ही रही हैं और हस्बैंड भी उनके साथ में कर रहे होते हैं। बहुत अच्छी बात है, अपने हस्बैंड को अपने बच्चों को जोड़िए। और हस्बैंड छुपने की कोशिश करते हैं, वो ऐसा कोशिश करते हैं कि वो नजर ना आए, लेकिन चिंता ना करें, ये है तो लेडीज के लिए, लेकिन बेनिफिट आपकी पूरी फैमिली को होगा। आप लोग मिलकर इस जो भी हमारा जूम एवरीडे जो मीटिंग होती है उसको आप अपने स्मार्ट टीवी पे कनेक्ट कर सकते हैं, उसको आप लैपटॉप पे कनेक्ट कर सकते हैं, और पूरी की पूरी फैमिली एक साथ वर्कआउट कर सकती है। और हेल्दी बनने के लिए, वेट लॉस करने के लिए आपकी पूरी फैमिली को फायदा होता है। जी हाँ, केवल है तो प्रोग्राम महिलाओं के लिए, लेकिन आपके पीछे पीछे आप महिलाएं अपने घर का सेंटर हो, धुरी हो, अपने अंदर एक छोटी सी दुनिया जो हम महिलाओं ने बसा रखी है उसकी आप धुरी हो, आप आधार हो। यदि आप हेल्दी हो, यदि हम महिलाएं हेल्दी हैं, सही हैं, तो हमारी फैमिली भी हेल्दी है और सही है। ऐसी और इसीलिए महिलाओं का शक्तिशाली, दमदार, एनर्जी से भरपूर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही एनर्जी, वही खुशी और हैप्पीनेस वो अपनी फैमिली को पास करती है और घर का माहौल भी उसी से बनता है। तो ये है तो प्रोग्राम कंपटीशन वुमेन के लिए है, लेकिन आपकी फैमिली में आपके बच्चे हैं, बेटियां हैं, आपकी जो का जो एक, क्योंकि एक स्क्रीन पे ही आप देख पाएंगे तो टीवी को कनेक्ट कर सकते हो, आपकी पूरी फैमिली इस वर्कआउट का और डाइट सेशन का फायदा उठा सकती है। वेट लॉस हर प्रोग्राम में कम से कम 15 केजी हुआ है, 15 केजी तक मैक्सिमम रिड्यूस हुआ है। इसके अलावा 35 केजी 180 डेज में हुआ है। और ये साबित होता है, जितने भी मेरे पर्सनल क्लाइंट हैं और चाहे 90 डेज से जुड़े हुए ग्रुप में जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, सभी का 10 से 15 तक तो जरूर होता है, और 180 डेज में 35-37 तक वेट रिड्यूस हो जाता है। कम से कम 3x5 आपका जो कपड़ों का साइज है, कम से कम 3x5 कम हो जाता है। जी हाँ, अगर ट्रिपल एक्सल डबल एक्सल है, आप बिलीव नहीं करेंगे, जो डबल एक्सल पहनती थी वे अब स्मॉल साइज पे आ गई हैं, और स्मॉल से भी वो भी स्मॉल भी अब कईयों को ढीला पड़ने लगा है, और इस लॉकडाउन के दौरान नए कपड़े नहीं खरीद पाए, पूरा का पूरा वार्डरोब बेकार हो गया, सारे महंगे कपड़े बेकार हो गए। लेकिन ये खुशी की बात है, ये तो खुशनसीबी है या भाग्यशाली है कि आपको जो रिजल्ट चाहिए, अच्छा वो मैं फिर उनको सलाह देती हूँ कि वो कपड़ों को आपको रखना नहीं है, वो कपड़े आप पोटली बनाकर किसी को दे दीजिए, नहीं तो क्या होगा, आप सोचेंगे कि अगर मेरा वेट बढ़ जाएगा तो ये कपड़े मेरे काम आ जाएंगे। जी नहीं, मेरे वार्डरोब में एक भी कपड़ा ऐसा नहीं है, अगर मेरा वजन बढ़ गया तो मैं एक भी कपड़ा पहन नहीं पाऊंगी, एक भी लूज कपड़ा नहीं है, ब्रांडेड है, और वो सारे के सारे मेरे साइज के अकॉर्डिंग है, और जरा सा भी मेरा वजन बढ़ जाता है मेरे सारे कपड़े मुझे तुरंत टाइट होने लगते हैं और मुझे मजबूरन अपने आप को मेंटेन रखना पड़ता है, वरना पूरा का पूरा वार्डरोब मुझे नया चेंज करना पड़ेगा। और वो मैं कभी नहीं चाहती कि मुझे बड़े साइज के कपड़े खरीदने पड़े, मेरा स्मॉल या मीडियम साइज है, किसी ब्रांड में स्मॉल आता है, किसी ब्रांड में मीडियम आता है, लेकिन जनरली वही साइज मुझे याद नहीं, मेरा कब से वही एक साइज मेंटेन है। इसी तरीके से जो 90 डेज के पार्टिसिपेंट है उनका कम से कम 3 साइज कपड़ों का ड्रॉप हो जाता है, कम से कम 10 इंच के लगभग कमर और पेट का साइज कम होता है। हमारे जितने भी फेसबुक पे आप देखेंगे, जितने भी लोग का बिफोर एंड आफ्टर आया है, और जो वर्कआउट का तरीका है, जो एक्सरसाइज हम उनको करवाते हैं, सबसे ज्यादा उसके अंदर आपका पेट और टमी कम होता है। और ये मैं हर बार हर रोज बताती भी रहती हूँ, कितना भी आप जिम कर लो, आप कितनी भी वेट ट्रेनिंग कर लो, चाहे आप दुनिया भर का योगा कर लो, चाहे आप मैराथन रनिंग कर लो, मैंने देखा है मैराथन रनिंग वालों के भी शरीर पे चर्बी, और वो महीनों से और सालों से कर रहे होते हैं, उनके शरीर पे चर्बी के लोथड़े उसी तरह लटक रहे होते हैं जो कि उन्होंने शुरू किया था। वेट लॉस मैराथन 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर 21 किलोमीटर रनिंग करने वालों की भी चर्बी कम नहीं होती है। वर्कआउट और एक्सरसाइज से फैट कभी भी रिड्यूस नहीं होता है, और पेट का साइज तो आप कितनी भी ट्रेनिंग ले लो, केवल और केवल सही आहार और बिल्कुल सही वर्कआउट, कौन सी मसल आपको यूज करनी है टमी को कम करने के लिए,
कौन सी पर्टिकुलर मसल जिसमें कि पिलाटे बहुत काम आता है. आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा पिलाटे के बारे में. जब मैं पिलाटे आप लोगों को करवाती हूँ तो हर एक मसल को फोकस करते हुए एब्डोमिनल मसल को किस तरीके से लिफ्ट करना है, उसको कॉन्ट्रैक्शन करना है. ये जब हम 90 डेज में जाएंगे, क्योंकि इसको मैं पहले बहुत ज्यादा नहीं समझा सकती, क्योंकि जो लोग यूज टू नहीं है, जो लोग कभी कभी जुड़ते हैं या कम करते हैं वर्कआउट हमारे साथ, उन लोगों को कंफ्यूजन होगा. लेकिन जब ये 90 डेज शुरू होगा तो स्पेशली बिकनी बॉडी ट्रेनिंग करके एक वर्कआउट होता है, वो इस दौरान इंट्रोड्यूस होगा, जिसमें कि पिलाटे के द्वारा और दूसरे कार्डियो वर्कआउट के द्वारा पेट के लिए और कमर की साइज को कम करने के लिए व्यायाम कराए जाते हैं. बहुत इजी होते हैं, सिंपल होते हैं, टेक्निक बहुत सिंपल होती है. आपका पोस्चर, आपका ब्रीथ और उसके अलावा मूवमेंट, कि आपको किस समय आपको इनहेल करना है और किस समय एक्सहेल करना है और कौन कौन सी मसल को आपको यूज करना है, किस किस मसल को एंगेज करना है उस वर्कआउट को करते हुए, जिससे कि उस पर्टिकुलर मसल के ऊपर अफेक्ट आए. जैसे कि एक सिंपल एग्जाम्पल के लिए मैं बताती हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल है. यदि मैं घूमकर इस तरह से टर्न किया और यहां तक आई, सिर्फ अगर मैंने इतना ही मूवमेंट किया, ये वाला, ये मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रही हूँ, जो लोग नहीं कर रहे हैं हमारे साथ या जो आज पहली बार देख रहे हैं, उन्हें शायद समझ में ना आए, लेकिन बाकी लोगों को समझ में आएगा. अगर मैं 25 या 50 टाइम यहां से लेकर यहां तक टर्न होती हूँ, पूरा नहीं, आप बिलीव नहीं करेंगे, एक जो मसल है जो वी शेप को बनाती है कमर को, आपके साइड ऑब्लिक मसल, और उसमें भी एक पर्टिकुलर मसल है जो आपके अपर रिब के से शुरू होके और आपके मिडल एब्डोमिन तक जाती है, इस वाले को इस तरह से झटके से एक तरफ से आधा लेकर और आधा यहां करना होता है. इस मूवमेंट को यदि आप चेक चेक, तो आपकी ये पर्टिकुलर जो वी शेप होता है, जो साइड में आपकी चर्बी लटकी होती है, उसको कम करने में बहुत हेल्प मिलेगी. इस तरह की बारीकियों के साथ में, इतनी सारी बारीकियों के साथ, जिसमें कि अपने शरीर की सही मसल को पहचान कर आप उसकी चर्बी को कम करने का प्रयत्न करें. उसके अलावा उसके ऊपर जो फैट चढ़ा हुआ है उसको कम करने के लिए, क्योंकि आपके हम अंदरूनी मसल को काम कराते हैं. जो बेनिफिट आपको जिम में वेट ट्रेनिंग में होता है, उतना ही बेनिफिट पिलाटे और हमारी योग क्लास में होता है, जिसकी वजह से बिना डाइट के उन लोगों ने 4 to 6 kg विद इन 3 months रिड्यूस कर लिया. यदि आपको और आगे जाना है, इस पर ही रुकना नहीं है, 6 kg काफी नहीं है, क्योंकि आप वेट 80-90-100 kg के लगभग है, उसके लिए तो ये जीरे के समान है. और ज्यादा रिड्यूस करने के लिए और इंच लॉस करने के लिए कम से कम 10 inch तक का मैक्सिमम 3 महीने के अंदर रिजल्ट अचीव होता है. आपका कमर और पेट 10 inch के लगभग रिड्यूस हो जाता है. हमारे फोटोग्राफ के साथ में बिफोर एंड आफ्टर आप देखिए, बहुत सारे हैं, एक के बाद एक वो फेसबुक पे आते जाएंगे, एक ही दिन में उन सबका डालना पॉसिबल नहीं है. धीरे धीरे समय रहते हुए आप उन विनर्स को देखते जाएंगे, अब तक के हमारे जितने विनर्स ने अचीव किया है उन लोगों को. वेबसाइट पे भी जाके देखिए aashashta.com, काफी सारे डिटेल और जिन्होंने बिफोर एंड आफ्टर के उनमें चेंजेस जो बिल्कुल सच्चे हैं, और कहीं से भी कोई चर्बी लटकी नहीं है, रिंकल्स चेहरे पर नहीं पड़े, हमारी स्किन का कोलेजन इलास्टिसिटी जो बरकरार रहता है. सेल्यूलाइट, आपने सुना होगा कि सेल्यूलाइट, जो कि एक बार हमारी स्किन सेल्यूलाइट बन जाती है चर्बी बहुत ज्यादा हो जाने के बाद और गड्ढेदार हो जाती है, ऐसा कहते हैं. जब वो सेल्यूलाइट बन जाता है, इसका मतलब आपकी स्किन का कोलेजन यानी कि इलास्टिसिटी डैमेज हो गई, और जिसकी वजह से रिंकल्स और डिम्पल आपके चर्बी में पड़ने लगते हैं, जो आप देखेंगे हिप्स के आसपास, हिप्स पर, थाइस पर और पेट पर मांस के लोथड़े लटक जाते हैं. और ऐसा कहते हैं कि ये सेल्यूलाइट जाता नहीं है. आप मार्केट में बहुत सारे तेल अवेलेबल है उनके मसाज के लिए, उनकी जेल अवेलेबल है, लेकिन वो केवल आपकी स्किन को ही मसाज की वजह से ऊपर से थोड़ा सा दिखने में स्मूथ कर देता है, वो गहराई तक वो सेल्यूलाइट नहीं रिमूव होता.
लेकिन हमारे इस प्रोग्राम में कोलेजन रीजनरेट होता है, इलास्टिसिटी बरकरार रहती है, आपकी स्किन की बढ़ती है इलास्टिसिटी, क्योंकि जो डेफिशिएंसी है ये सारी परेशानियां डेफिशिएंसी और गलत आदतों की वजह से है, जिस पे हम उसकी जड़ पे काम करते हैं, सबसे पहले डेफिशिएंसी पे काम करते हैं, जिस कमी की वजह से आपको ये परेशानी हुई है उस कमी को पहले पूरा करते हैं, और धीरे धीरे आपके नए सेल डेवलपमेंट होते हैं, नए नई नई चीजें आपके शरीर के साथ, नई बातें होती हैं, नए सेल बनते हैं, रीजनरेशन होता है, और फिर उसका असर आपके शरीर पर, आपके चेहरे पर रिंकल फ्री होके, चेहरे की चमक के रूप में, बालों की चमक के रूप में, स्किन और नाखून की चमक के रूप में आपके शरीर पर दिखाई देता है। इतना ही नहीं, शरीर में जितने भी तरह के पेन है, दर्द है, हर तरह का बॉडी पेन, सिर से लगाकर पांव तक, चाहे वो सिर दर्द हो, चाहे वो माइग्रेन हो, उसके अलावा शरीर का आर्थराइटिस हो, जोड़ों का आर्थराइटिस हो, पैरों का वेरिकोस वेन हो, वेरिकोस से बहुत सारी महिलाएं परेशान है, ये यदि इस पूरे प्रोग्राम को फॉलो करती हैं तो सच में उसमें बेहतर फायदा होता है, बहुत फायदा होता है, और बिल्कुल ठीक भी हो जाता है यदि आप पूरे दिल के साथ अगर आप इस 90 डेज को कंप्लीट करती हैं तो। इसके अलावा एक महिला ने तो पैरालिसिस होने के बावजूद भी इस प्रोग्राम को किया और उनका पैरालिसिस, उनके जो दिक्कतें थी उनकी नसों को लेकर, वो काफी सारी उससे ठीक हो गई। शरीर की खूबसूरती वो तो डेफिनेटली बढ़ेगी जो भी अगले आगे के प्रोग्राम में जुड़ेंगे। उसके अलावा हेयर लॉस वो आपका बिल्कुल बंद हो जाएगा, बाल गिरने बंद हो जाएंगे, क्योंकि हम आप लोगों को खा खा कर आप लोगों को डाइट के लिए एनकरेज करते हैं। मील प्लान इस तरह होते हैं जिसमें कि आपको केवल खाना होता है, बहुत सारा खाना होता है, घने बाल कुछ ही समय में आपके बाल टूटने बंद हो जाएंगे और वॉल्यूम बढ़ जाएगा और घने होने लगेंगे, स्किन आपकी ग्लो करेगी और चेहरे की झाइयां या जो चेहरे पर ऊबर खाबड़पन होता है वो स्मूथ हो जाएगा, रिंकल फ्री चेहरा, बिल्कुल रिंकल गायब हो जाएंगे, आएंगे ही नहीं, वेट लॉस होने के बावजूद आपके रिंकल्स नहीं होंगे, स्किन टाइट होगी, कोलेजन नया बनेगा और सेलुलाइट से आपको मुक्ति मिलती है। इसके अलावा मूड या भावनात्मक उतार चढ़ाव जो कि बहुत परेशान करते हैं हर महिला को, कल भी प्रश्न आए मेरे पास कि बहुत रोना आता है, बात बात पे गुस्सा आता है और हर छोटी छोटी बात पे मैं रोती हूँ, ये केवल शरीर में डेफिशिएंसी की वजह से है। जैसा कि मैंने 2-3 दिन पहले भी कहा था कि विटामिन डी, हीमोग्लोबिन की कमी या B12 की कमी आप में होती है, जिसकी वजह से आपको मूड स्विंग होता है या बात बात पे रोना आता है या गुस्सा आता है। ठीक है, आप डॉक्टर से तो सप्लीमेंट ले लोगे कुछ दिन में, लेकिन इसको हमेशा के लिए कैसे ठीक करें, इस ऐसे मूड स्विंग से आपको परमानेंट मुक्ति कैसे मिले, उसके लिए भी आपको 90 डेज प्रोग्राम में बहुत बेनिफिट होगा। और ये आदतें जड़ से तो पता नहीं आपके बिहेवियर नेचर आपका जो भी रहेगा, लेकिन जो डेफिशिएंसी की वजह से, जो समस्याओं, शारीरिक समस्याओं की वजह से जो चिड़चिड़ापन और गुस्सा है, उसमें बहुत बहुत कमी आ जाएगी, आपके बच्चे और पति आपसे ज्यादा खुश रहने लगेंगे और आपका परिवार ज्यादा खुश रहेगा। इसके अलावा PCOS एंड PCOD, इन दोनों की समस्या से आपकी जड़ से मुक्ति हो जाती है, पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं, हार्मोन इंबैलेंस भी सही हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस होता है, मेंटल स्ट्रेस रिड्यूस होता है, इन सब के साथ साथ वेट लॉस भी हुआ, हेल्थ के बेनिफिट भी हुए, इसके साथ आपको वेल्थ भी मिलती है। जी हाँ, जिन लोगों को भी प्राइस मिलेगा पिछले वाले में भी, और ये अगला वाला जैसा कि आपको बताया गया है जिसमें कम से कम 1,00,000 रुपए तक के प्राइस इस बार रखे गए हैं, और जो फर्स्ट प्राइस है वो 51,000 का है, जो सेकंड प्राइस है 21 का है, और थर्ड प्राइस 11,000 का है। इसके अलावा भी काफी सारे प्राइसेस हैं जिसको हम समय के साथ ही डिक्लेयर करेंगे। इसके इतना ही नहीं, अपने अच्छा ग्रुप के लिए भी प्राइस है, जो 5-5 के ग्रुप बन रहे हैं उन लोगों के लिए भी कॉम्पिटिशन है और उनके लिए भी प्राइस है। इसके अलावा इतना ही नहीं, आप अपनी फैमिली के ओन डाइटिशियन बन जाएंगे, इतनी नॉलेज आपको इस दौरान मिलेगी कि आपको फ्यूचर में
किसी भी डाइटिशियन के पास जरूरत नहीं पड़ेगी, डॉक्टरों के पास आपकी फैमिली के लिए जाने के खर्चे बिल्कुल लगभग बंद हो जाएंगे, आपका खर्चा तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, आपकी फैमिली का खर्चा दवाइयों का बिल्कुल कम हो जाएगा, क्योंकि आप उनके अपनी फैमिली के डाइटिशियन बन जाएंगे। इतनी नॉलेज इस आपको 3 महीने के प्रोग्राम में, इतनी ज्यादा नॉलेज, और नॉलेज के अलावा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप लोगों को मिलेगा। और किसी भी तरीके का नेट के ऊपर सर्च करना, ढूंढना या चिंता होना, वेट बढ़ा हुआ होना लोगों को बहुत स्ट्रेस देता है, चिंता केवल यही बनी रहती है कि कहीं ये खा लिया तो मेरा वजन बढ़ जाएगा, वो खा लिया तो वजन बढ़ जाएगा, अपने वजन को कम करने के लिए मैं क्या करूं, दिन रात सुबह से लेकर रात तक मन यही सोचता रहता है, और ढूंढते रहते हैं, रास्ते ढूंढते हैं, तरह तरह के डाइटिशियन के पास भागते हैं, योग क्लास ज्वाइन करते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं, और जाने क्या क्या। इतना ही नहीं, मैं देखती हूँ कि लोग जो YouTube वीडियो में कहते हैं कि आपको ये वाला जीरा का पानी पीना चाहिए, हल्दी का पानी पीना चाहिए, ये अदरक का पानी आपका वेट लॉस कराएगा, ऐसा भी सब कुछ करके देख लिया, नींबू और शहद का पानी पी के देख लिया, गर्म पानी पी के देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन वेट लॉस नहीं होता। फाइनली इन सब पूरे फ्यूचर के लिए, आगे की जिंदगी भर के लिए, इन सारी छोटी मोटी चीजें जो ज्ञान हम जबरदस्ती का बटोरने की कोशिश करते हैं, बस कैसे भी करके वेट लॉस हो जाए, और कितना पैसा खर्च करते हैं हम, कितना पैसा, लिपोसक्शन, तरह तरह की डिटॉक्स डाइट, इंटरमिटेंट डाइट, और जो टाइम वेस्ट होता है आपका उनको ढूंढने के लिए, देखने के लिए, उसके बारे में डिस्कशन करने के लिए, वो अलग। कितनी तरीके की गलत गलत डाइट है जिनके बारे में मैं अभी आगे आके नाम लूंगी, इन सब चीजों से आपकी मुक्ति मिल जाएगी, आपको कभी भी ढूंढना नहीं पड़ेगा, देखना नहीं पड़ेगा आपकी वजन को कम कैसे किया जाए, या वजन को मेंटेन, एक बार कम हो गया तो उसे मेंटेन कैसे रखा जाए। इस प्रोग्राम में आपको क्या क्या मिलेगा, जो अभी 90 डेज आने वाला है उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, उसमें मिलेगा आपको ईट मोर नॉट लेस, यानी कि बहुत खाइए कम नहीं, ऐसे 6 मील प्लान मिलेंगे। वेबसाइट में पूरा डिटेल दिया है, लेकिन उसको भी मैं एक बार डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगी। फास्ट मेटाबॉलिज्म मील प्लान, जो सबसे पहला मील प्लान होता है, वो आपके बॉडी को, सिस्टम को रिपेयर करता है, रिवर्स करता है, और सबसे पहला मील प्लान आपके मेटाबॉलिज्म को जबरदस्त फास्ट कर देता है। यदि आपको भूख लगने लगती है और जो भी आप खाते हो वो अब आपका शरीर उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने लगता है, वो फैट में स्टोर नहीं करता। अभी आपका शरीर जो भी आप खाते हो वो फैट में स्टोर करता है, उस मोड से हम चेंज कर देंगे, बाहर लेके आएंगे, और फैट स्टोर में नहीं, फैट बर्निंग की मोड में लेके आते हैं, और वो खिला खिला के कराते हैं। इसके पीछे कुछ ही मिनटों में आपको एक कहानी भी सुनाऊंगी। कहानी का मतलब वो रियल स्टोरी या रियल बात। इसके अलावा जो दूसरा डाइट प्लान होगा जिसका नाम है स्लिम फास्टर मील प्लान, मेटाबॉलिज्म तो फास्ट कर दिया, उस दौरान आपका वेट लॉस भी होता है, और फिर अगले स्टेप पे फिर हम आगे बढ़ते हैं, उसमें फिर आप जल्दी जल्दी आपका वेट लॉस होता है, स्पीड में होता है, और डे बाय डे आप देखते हैं आपका वेट रिड्यूस हो रहा होता है। उसके बाद थर्ड प्लान आता है जिसमें होता है स्लिम बेस्ड एंड फ्लैट टमी मील प्लान। जी हाँ, स्लिम बेस्ड एंड फ्लैट टमी मील प्लान, जिसमें कि जो मील प्लान ऐसा होता है कि उसमें भी ये सारे मील प्लान आपको खा के ही करने हैं, इसमें कुछ भी भूखा रह के नहीं करना है, और आपकी घर की ही बनी हुई चीजों के द्वारा, जो आप सबके लिए बनाते हैं उसी के द्वारा आपको वेट लॉस करना है। और उस वाले प्लान में आपके पेट से सबसे पहले चर्बी जाती है, कितना भी योगा कर लो, जिम कर लो, पूरे शरीर से तो चर्बी कम हो जाएगी लेकिन आपके पेट से फैट रिड्यूस नहीं होगा। इस वाले मील प्लान में आपकी टमी से सबसे पहले आपका वेट रिड्यूस होगा। इसके अलावा फिर उसके नेक्स्ट जो मील प्लान होगा, ये सारे के सारे आपको मील प्लान होंगे और डाइट सेशन होंगे, कम से कम 2-2 घंटे के एवरी टाइम, जिसमें कि अगला वाला आएगा बिकनी बॉडी मील प्लान, इसमें कि हम और फैट को और ज्यादा आगे रिड्यूस करने के लेवल पे लेके जाएंगे, आपका शरीर और स्लिम हो, उस तरीके का एक मील प्लान है, उसमें आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में अभी से महिलाओं ने पूछना शुरू कर दिया है, उन्होंने कहा है
कि फेस्टिवल और सेलिब्रेशन का क्या होगा। जी हाँ, अभी फेस्टिवल भरे पड़े हैं, आगे नवरात्रि है, गणपति है, उसके अलावा दिवाली आएगा, करवा चौथ आएगा, ऐसे के लिए भी मील प्लान है। आपको नहीं पता फेस्टिवल में हम किस तरह खाएं, क्या खाएं, जिसकी वजह से हमारा वेट रिड्यूस हो, फेस्टिवल के दौरान भी आप अपने वेट को रिड्यूस कर सकते हैं। जी हाँ, यही है इस कार्यक्रम की खूबसूरती, उस दौरान भी कैसे आप अपने वेट को रिड्यूस करते रहें, उसके लिए आपको पूरा गाइडेंस दिया जाएगा। इसके अलावा सेलिब्रेशन, क्योंकि जैसे ही दिवाली खत्म होगी या उसके दौरान लोगों की शादियों का सीजन, हॉलीडेज, क्योंकि आप दिसंबर में या गर्मियों की छुट्टी में आप छुट्टियां मनाने जाएंगे, अभी कोरोना की वजह से तो कई महीनों से आप घरों में बंद हैं, लेकिन जैसे ये प्रॉब्लम खत्म होगी आप छुट्टियां मनाने निकलेंगे। उसके अलावा डाइन आउट यानी कि रेस्टोरेंट में भी खाना चाहेंगे। इसके अलावा बाहर का कभी कभी मौका पड़ता है, आप मॉल घूमने जाएंगे, जैसे ही मॉल खुलेंगे, अभी तो फिलहाल ये सारी चीजें बंद है एक्टिविटी, लेकिन जब ये कोरोना की परेशानी खत्म हो जाएगी तो ये रेस्टोरेंट में डाइन आउट एंड फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशन एंड हॉलीडेज पर क्या खाएं, किस तरह बाहर का खा के भी वेट को रिड्यूस कर सकते हैं हम। जी हाँ, ये पॉसिबल है, जैसे ही आपको ये नॉलेज मिल जाएगी, लेकिन ये मैं आपको शुरू में नहीं बताऊंगी। ये वाला मील प्लान और ये वाला डाइट सेशन आप लोगों का सेकेंड लास्ट होगा, एक स्पेशल सेशन होगा जिसमें कि बाहर खाकर भी किस तरह से आप अपना वेट रिड्यूस करें, शादी में जाकर कैसे वेट रिड्यूस करें, शादी में खाकर भी आप अपनी किड्डी पार्टी में भी खाकर कैसे अपने वेट को रिड्यूस करें, हॉलीडे पे 10-15 दिनों के लिए जाते हैं तो कैसे वेट रिड्यूस करें, किसी बाहर शादी में आप जाते हैं 3-4 डेज के लिए, डेस्टिनेशन वेडिंग आप अटेंड करते हैं, वहां पे तो पूरा हैवी खाना होगा, उस खाने को भी कैसे, उस भोजन को भी करके उस डेस्टिनेशन वेडिंग के शादी में भी खाकर आप 3-4 दिनों के दौरान किस तरीके से अपने वेट लॉस को मेंटेन रख सकते हो। आप जब आप लौटोगे तो वेट बढ़ा हुआ नहीं होगा, और यदि कुछ ग्राम बढ़ भी गया उसको कम कैसे करना है वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया भी जाएगा, और इस दौरान हो सकता है आप में से कुछ लोगों को इसका प्रैक्टिकल अनुभव हो जाए। यदि वो छुट्टियों में जाएंगे या शादी में जाएंगे, वे लौटेंगे और या बीच में कोई ब्रेक आ जाएगा, तो उसके बावजूद भी वजन नहीं बढ़ेगा, इसकी गारंटी है। इसके अलावा ये पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है एक्चुअली आप लोगों को 5 लाख का पड़ता है। जानते हैं क्यों? केवल एक आपको, अब मैं शुरू करती हूँ वो असली बात कि क्यों मैंने इस प्रोग्राम को शुरू किया और इसका पर्पस क्या है और ये कहां से इसकी शुरुआत हुई। ऋतिक रोशन का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो कि हमारे फिल्म स्टार है ऋतिक रोशन। जब उसकी पहली मूवी आई थी कहो ना प्यार है, उस मूवी से लेकर लक्ष्य की मूवी तक वो हमारे जितने भी नई पीढ़ी थी, यंग जनरेशन थी उस समय, टीनेज और उनसे 25-30 उम्र वाले जो यंग लोग थे, बच्चे थे, वे उससे बहुत प्रेरित थे। मैं, हमारी उम्र भी उस समय, मेरे बच्चे भी छोटे रहे होंगे और हम भी बड़े इंस्पायर थे ऋतिक रोशन को। पहली मूवी से सभी उसकी बॉडी और उसका जो फिगर था इस एक्टर का, सभी उसके ऊपर फिदा थे। जितने भी लड़के थे वो उसकी तरह बॉडी बनाना चाहते थे, और लड़कियां तो पूरे ऋतिक रोशन पे पूरी की पूरी फिदा थी। वो उसके जो मसल्स थे या उसका जो डांस का तरीका था, वो अब तक जितने भी बॉलीवुड के एक्टर हुए हैं सब में अच्छी, बेस्ट और खूबसूरत बॉडी उसने बनाई थी। जिम में जाके बनाई हो, एक्सरसाइज करके बनाई थी, बहुत मेहनती रहे हैं वो ऋतिक रोशन। लेकिन जब एक के बाद एक मूवी में वो आगे हिट होते गए और आगे बढ़ते गए, लक्ष्य मूवी तक आते आते उनके साथ ऐसी प्रॉब्लम हुई कि बहुत सारी परेशानियों ने घेर लिया उनको, तरह तरह के हड्डियों की प्रॉब्लम, जोड़ों की, जॉइंट्स की प्रॉब्लम, यहां तक कि फाइनली लक्ष्य मूवी तक आते आते उनको घुटने का ऑपरेशन कराने पड़े और स्लिप डिस्क हो गया और साइटिका हो गया। इसके अलावा उनके कंधे भी और उनके स्पाइन पूरा का पूरा घायल हो चुका था। एक्चुअली घायल भी नहीं हुआ था, डैमेज हो गया था, बहुत सारा दिन रात वर्कआउट करने की वजह से और वेट लॉस करने की वजह से और अपने मसल्स को बनाने के लिए, क्योंकि दिखना होता था अच्छा और इंस्पायर थी जो न्यू जनरेशन थी, उनकी सारी मूवीज हिट जाती थी।
लेकिन कुछ समय के बाद में जब लक्ष्य मूवी रिलीज हो गई थी उसके बाद में वो कंप्लीट बेड पे आ गए थे ऋतिक रोशन, और कई महीनों तक वो बेड पर रहने के बाद, और बच्चे उनके पास छोटे छोटे थे उनके बच्चे दोनों, और वो खेलने के लिए जब उनके पास आते थे तो ऋतिक रोशन उन्हें मतलब उनकी मम्मी कह के हटा देती थी कि नहीं पापा नहीं खेल सकते, क्योंकि साइटिक और फ्लिप डिस हो गया था और कंप्लीट बेड पे थे वो, नी इंजर्ड था, पूरा स्पाइन इंजर्ड था, डैमेज हो चुका था। एक दिन एक बेटे ने कहा कि पापा आज खेलने चलो, दूसरे बेटे ने कहा नहीं पापा नहीं खेल सकते, तुम उनको तंग मत कर, वो हमारे साथ कभी नहीं खेलेंगे। वो बात उनको बहुत लगी, उनको बहुत दुख हुआ और उनको रोना आया उस दिन। उन्होंने कहा, मन ही मन सोचा कि जो यंग जनरेशन है पूरे इंडिया की, जो यंग बच्चे हैं वे मुझे अपना आइडियल मानते हैं, उनके लिए मैं एक बहुत बड़ा उदाहरण हूँ, उनको नहीं पता है कि मैं अंदर से कितना बीमार हूँ, कितना कमजोर हूँ और पूरे तरीके से टूटा हुआ हूँ, और बेड पर हूँ मैं, कंप्लीट बेड पर हूँ, और अब मैं इस स्थिति तक आ गया हूँ कि अब मैं अपने आप को कभी भी ठीक नहीं कर सकता। और अगली मूवी उनको क्रिश के लिए उनको तैयार होना था, पिताजी ने पूरी तैयारी कर ली थी उनके पिताजी ने कि क्रिश मूवी के लिए अब आपको ये प्रॉब्लम को सॉल्व करो और क्रिश के लिए तैयार होना है। उन्होंने कहा वो तो दूर की बात है, जो पूरा के पूरे यंग जनरेशन मेरे को आइडियल मानती है, जो मेरे को देखकर अपने आप को भी वैसा ही बनाने की कोशिश करती है, अपनी बॉडी बनाना चाहती है, अपने मसल यंग बच्चे बनाना चाहते हैं, उनको जब पता चलेगा तो उनको भी समझ में नहीं आया कि ऐसे में वो क्या करें। उसी दिन उन्होंने कुछ ठाना और नेट पर सर्च करना शुरू किया, और बहुत ढूंढने के बाद, सर्च करने के बाद, क्रिस गिथॉन नाम के एक हॉलीवुड ट्रेनर, जो हॉलीवुड स्टार को जो ट्रेनिंग देते थे, उनसे उन्होंने कांटेक्ट किया और उनको, उनसे बात करके उन्होंने जब अपनी परेशानियां बताई, उनसे शेयर की, उन्होंने जिस तरीके से बात क्रिस गिथॉन ने ऋतिक रोशन को समझाई, उससे उनको लगा कि हाँ यहाँ पे मुझे कुछ सही तरीके से मिल सकता है, मैं पूरी तरह क्योर हो सकता हूँ और अगली मूवी के लिए मैं तैयार हो सकता हूँ। सिल्वेस्टर स्टेलोन और भी दूसरे बड़े बड़े कई हॉलीवुड स्टार को उन्होंने उनकी बॉडी बनाने में क्रिस गिथॉन ने उनकी हेल्प की है, और ऋतिक रोशन ने उनको अपने लिए अपॉइंट किया, और 20 लाख रुपीज महीने का उन्होंने उनको पे किया जब तक वो क्रिश मूवी, यानी कि 20 लाख रुपए महीने का उन्होंने फीस हर महीने उनको पे करते हुए, और क्रिश मूवी के लिए जो उन्होंने उसकी शरीर में मदद की है क्रिश गिथॉन ने ऋतिक रोशन की, वो जग जाहिर है। पहली मूवी से लेकर लक्ष्य की मूवी तक का उनका शरीर, और लक्ष्य के बाद में क्रिश में जो उन्होंने बॉडी बनाई है वो आप सब लोगों को पता है, देख सकते हैं आप लोग अगर दूसरा मोबाइल आपके आसपास हो कि क्रिश में ऋतिक रोशन कैसे दिखते थे, उनकी फ्लिप डिस्क, उनका साइटिका, उनका नी प्रॉब्लम, उनका शोल्डर प्रॉब्लम, उनका पूरा स्पाइन का प्रॉब्लम 100% क्योर हो गया था। और सबसे पहले क्रिश गिथॉन ने उनको यही कहा कि तुमने, उनका रूटीन पूछा, और जब ऋतिक रोशन ने बताया कि किस किस तरीके से वो अपने आप को भूखा रख के वर्कआउट करते हैं, हमारे इंडियन ट्रेनर ने भी जो फिटनेस ट्रेनर थे किस तरीके से उनको गलत तरीके से गाइड किया हुआ था, वो भूखे रह के जिम करते थे, घंटों तक वर्कआउट करते थे, धीरे धीरे उनके शरीर की हड्डियां और मसल कमजोर हो गए और बिस्तर पर पड़ने तक की स्थिति आ गई। क्रिस गिथॉन ने सबसे पहले उनको खिलाना शुरू किया और कहा तुम कितना खा सकते हो, शरीर को पहले अपने हेल्दी बनाओ, स्ट्रॉन्ग बनाओ अंदर से, उसके बाद हम वर्कआउट शुरू करेंगे, और वही किया। उन्होंने उनको बहुत सारा खाने के लिए कहा, उनकी डाइट में बहुत सारी चीजें ऐड करी जो वो छोड़ चुके थे, उन्हें लगता था इनसे चीजों से मेरा वजन बढ़ जाता है, इस तरह के उन्होंने गलत फहमियां दूर करी। और ऋतिक रोशन को उसके बाद उन्होंने एक महीने के बाद जो वर्कआउट शुरू कराना शुरू कराया, और कुछ ही महीनों के भीतर क्रिश में उनका शरीर जिस तरीके से मिला उनको, जो बनाया उन्होंने, वो देखने लायक है, और हम सब इसी वजह से उनके फैन हैं, कितने मेहनती हैं वो। और क्रिस गिथॉन जिन्हों, जो ऋतिक रोशन के ट्रेनर रहे हैं, मैंने भी उनसे ट्रेनिंग ली है, और आपका ये जो कंप्लीट प्रोग्राम है उनकी बहुत सारी बातों से प्रेरित होके बना है ये 90 डेज वेट लॉस चैलेंज। ये कोई साधारण प्रोग्राम नहीं है। जो बेनिफिट ऋतिक रोशन को हुआ,
जो बेनिफिट हॉलीवुड स्टार को होता है, जो बेनिफिट आपको कोई भी ट्रेनर या डाइटिशियन नहीं दे सकता, आपकी बॉडी को किस तरीके से खूबसूरत बनाना है, वो भी खाकर भूखे रहकर नहीं, उन सब चीजों से आपको गलत आदतों से गलत पहनियों से मुक्त होकर आपको अपना शरीर बनाना है, स्ट्रॉन्ग करना है पहले, और फिर वर्कआउट के द्वारा उसको खूबसूरत बनाना है। सबसे पहले अंदरूनी शक्ति और ताकत चाहिए, जब तक वो आपको नहीं मिलेगी कितना भी वर्कआउट कर लो वही वर्कआउट आपको नुकसान देगा। जी हाँ, मैं एक बार फिर कहती हूँ, यदि आप अंदर से वीक हैं, हड्डियां कमजोर हैं, मसल की स्थिति सही नहीं है, वही योगासन जिसमें आप सिंपल बैक बेंडिंग करते हो या फ्रंट बेंडिंग करते हो, वो आपके तकलीफ की या शरीर की समस्याओं को बढ़ाएगा। इसलिए जरूरी है कि आप खाकर अपने शरीर को अंदरूनी रूप से स्ट्रॉन्ग बनाएं। अच्छा, क्रिस किथॉन और ऋतिक रोशन की बात मैंने क्यों की, इसलिए की क्योंकि मैंने भी क्रिस किथॉन से ट्रेनिंग ली है। जी हाँ, जिस समय जब ये मूवी पूरी हो गई थी तो एक जो प्रोटीन की कंपनी है, उन्होंने उनके कुछ ट्रेनर्स उन्होंने ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की थी और उसको स्पॉन्सर किया था, वरना अदरवाइज तो उनकी फीस तो लाखों लाखों रुपए में है। लेकिन कुछ बाई चांस और भाग्य की बात है कि मुझे भी उस ट्रेनिंग में, मैंने भी उसको अटेंड किया, मैंने भी उसको फीस पे करके उसको अटेंड किया, उनकी उस ट्रेनिंग को, और जो बेनिफिट मुझे मिला, जो नॉलेज मुझे मिली, उसमें से बहुत सारा हिस्सा 90 डेज के अंदर उस सारे आइडियाज को, हॉलीवुड और हमारे ऋतिक रोशन के बहुत सारे आइडिया को इस 90 डेज में हम अप्लाई करते हैं, जिसमें कि खा खा के शरीर को हेल्दी बना के, स्ट्रांग बना के फिर हम वर्कआउट करते हैं तो शरीर बहुत ब्यूटीफुल बनता है। धीरे धीरे हर एक समस्या से आपको धीरे धीरे मुक्ति मिलने लगती है। जी हाँ, तो इस कार्यक्रम को साधारण ना समझे। इसके अलावा जो हमारे 90 डेज से पहले भी जुड़े हुए हैं, और हो सकता है कि कुछ उनके मन में भी आए कि अब हमें क्या करना, रुक जाना चाहिए, हमारा वेट लॉस तो हो गया है, अब क्या करना, नहीं, वे लोग भी इसको आगे बहुत, इसको मैं उनसे स्पेशली कहूंगी कि वो आगे इसे जरूर कंटिन्यू करें, इसे छोड़े नहीं, क्योंकि ये आपकी लाइफस्टाइल को बना के रखेगा। लॉकडाउन का टाइम या कोरोना का समय बहुत ही चिंताओं भरा है, अनसर्टेनिटी है, फ्यूचर में क्या होगा आगे का कुछ पता नहीं है, वैसी बहुत सारी चिंताएं हैं। कम से कम उन चिंताओं से दूर रखने के लिए और अपने लिए हमें कुछ करना चाहिए, उसके लिए, केवल उसके लिए भर के लिए, कि आप अपने आप के लिए कुछ करें और कोई अच्छी चीज को अपने जीवन में होने से रोके नहीं। इसलिए जो पुराने हैं उनसे भी मैं जरूर कहूंगी कि वो आगे भी इस प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि बहुत सारी बातें इसके अंदर न्यू होगी। ऐसा नहीं है, आप देखा होगा उन सभी ने जिन्होंने सारे प्रोग्राम ज्वाइन किए हैं, एवरी टाइम उनको अलग प्रोग्राम मिला है। इस बार का भी प्रोग्राम बिल्कुल अलग होगा, एकदम डिफरेंट होगा। इसमें बहुत सारी डाइट आगे चल के बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी, जिसमें कि आपको जिन्होंने वेट लॉस किया है वे और आगे वेट लॉस करेंगे, और जो पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं वे तो डेफिनेटली अच्छा वेट लॉस करेंगे ही। ये थी जो मैं आपको कह रही थी कि मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी, एक स्टोरी नहीं है, वो सच्चाई है, क्रिस किथॉन के बारे में और ऋतिक रोशन के बारे में। इसके अलावा जो आपको वर्कआउट का कॉम्बिनेशन और एक्सरसाइज का, वर्कआउट एंड डाइट का कॉम्बिनेशन मिलेगा, वो आपके शरीर को बहुत खूबसूरत बनाएगा, हेल्थ प्रॉब्लम को ठीक करेगा, स्किन को अच्छा करेगा, बॉडी के अंदर शेप लेके आएगा। उसके पहले मैं अब आपको बताऊंगी कि डाइट के बाद आता है सबसे अगला सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, व्यायाम। व्यायाम में जितने भी रेगुलर, अच्छा डाइट तो मैंने आपको बता दी कि 6 तरीके की डाइट होंगी, जिसमें कि फास्ट मेटाबॉलिज्म होगा पहला, सेकेंड होगा फास्ट स्लिम फास्टर मील प्लान, थर्ड होगा स्लिम वेस्ट एंड फ्लैट टमी मील प्लान, फोर्थ होगा बिकनी बॉडी मील प्लान, फिफ्थ होगा फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशन मील प्लान, सिक्स्थ होगा स्लिम लिविंग फॉर एवर। जी हाँ, जिंदगी भर के लिए, एक बार तो आपने वेट लॉस अचीव कर लिया लेकिन फ्यूचर में आपका वेट मेंटेन रहे, या वेट लॉस ही होता रहे फ्यूचर में भी और बढ़े ना वो वेट, ऐसी ट्रेनिंग आपको सबसे लास्ट वाले सेशन में दी जाएगी। मील प्लान भी आपको दिया जाएगा उस दौरान भी, एवरी टाइम मील प्लान दिया जाएगा।
इसके अलावा जो वर्किंग है, जो लेडीज वर्किंग है, उनके लिए एक स्पेशल फैशन किया जाएगा जिसमें कि उनकी समस्याओं को लेकर, जो हाउसवाइफ है उनका रूटीन अलग होता है, जो वर्किंग है उनका रूटीन अलग होता है, उनके रूटीन को, वर्किंग लेडीज के रूटीन को ध्यान में रखते हुए उनके फैशन, उनके लिए स्पेशल फैशन किया जाएगा वे उनके अकॉर्डिंग रूटीन के, क्योंकि वो जल्दी उठती हैं, रात के दो दो तीन तीन बजे तक उनका काम चलता है या उन्हें समय नहीं मिलता, सही लंच और डिनर का टाइम नहीं मिल पाता, ऐसे में उनके लिए स्पेशली एक डाइट फैशन रखा जाएगा जिसमें उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा और उनके अकॉर्डिंग, जी हाँ, जो हाउस वाइफ है हाउस वाइफ के अकॉर्डिंग आपको मील प्लान आपको बनेगा, जो वर्किंग है उनके अकॉर्डिंग बनेगा। इसमें से कल किसी ने प्रश्न भी किया है, फॉर्म भर के भेजा है कि क्या इसमें पर्सनलाइज मील प्लान होगा? जी हाँ, बिल्कुल पर्सनलाइज होगा। वो पता है कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि यदि आप गुजराती हैं, अपने गुजराती डिश आप गुजराती वैरायटी जो बनाती हैं वो खाएंगी, यदि आप बंगाली हैं आप बंगाली खाना खाएंगी, यदि आप साउथ इंडियन है डेफिनेटली आप इडली डोसा और चावल खाएंगी, यदि आप यूपी के हैं तो आप डेफिनेटली आलू पराठा खाएंगे। हर व्यक्ति अपना अपना ट्रेडिशनल फूड खाएगा, उसकी पसंद का खाएगा, फैमिली की पसंद का खाएगा, अपने लिए आपको अलग कुछ भी नहीं बनाना है, अपने लिए अलग से मेहनत नहीं करनी है, जो आपकी फैमिली खाएगी, जो सबके लिए बनेगा वही आप खाकर अपना वेट लॉस करोगे। यह इस प्रोग्राम की सबसे अहम बात है, इसलिए लोग डाइट छोड़ देते हैं। मैंने देखा है एक हफ्ते तक वे कहते हैं कि आप सलाद खाओ, एक हफ्ते तक कहते हैं कि डिटॉक्स डाइट करो, एक हफ्ते तक आप केवल चीला खाओ। एक लेडी मेरे पास आई जो मेरे साथ डाइट बाद में जिसने मेरे से मील प्लान ले रही थी, मेरी जो क्लाइंट थी, उनको एक डाइटिशियन ने पूरे दो साल तक रात को केवल मूंग का दाल का पानी पीने को उसको बोला। उस लेडी ने पूरे दो साल तक मूंग की दाल का पानी पिया और वजन तो बढ़ता ही है, अंत में हार के फिर वो मेरे पास आई और फिर उनको जो खा खा के वेट लॉस हुआ। और शुरू में सबको तो यही डर लगता है, बिना खाए तो इतना वेट बढ़ गया, जब हम नहीं खाएंगे तो हमारा वजन कितना बढ़ जाएगा। इस तरह के बहुत सारे मिथ, बहुत सारी गलतफहमियां, आप लोगों के बहुत सारे भ्रम टूटेंगे इस कार्यक्रम के दौरान। इसके अलावा किसी भी तरीके की कोई फास्टिंग नहीं होगी, केवल नॉर्मल रेगुलर होम मील के द्वारा आपको वेट लॉस कराया जाएगा। नो फास्टिंग, नो इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग शरीर को बहुत नुकसान पहुंचा रही है। पूरे दिन भर में 24 घंटे में केवल 1 घंटे खाना, या 16 घंटे की फास्टिंग, या 8 घंटे की फास्टिंग, प्लीज मत कीजिए, ये बेवकूफियां हैं। इसका बेनिफिट आपको टेम्पररी दिखता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे नहीं, हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई, वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई, लेकिन वो टेम्पररी है। और इंटरमिटेंट फास्टिंग आप पूरी जिंदगी नहीं कर पाओगे। डाइट ऐसी होनी चाहिए जिसको आप पूरी जिंदगी कर पाओ, आसानी से कर पाओ। और जो आपका घर का रूटीन है, 90 डेज जब खत्म हो गया तो जितने भी जो पार्टिसिपेंट थे वे सब अपने रूटीन, नॉर्मल रूटीन टाइम पर ही है। वो लोग 8 बजे, रात को 9 बजे, कोई लोग 10 बजे खाना खाते हैं, उसके बावजूद भी उनका वजन नहीं बढ़ रहा है। इंटरमिटेंट फास्टिंग और ये सब आपको टेम्पररी असर दे सकती है, लेकिन फायदे से ज्यादा नुकसान ज्यादा है। नो स्टार्विंग यानी भूखे नहीं रहना है, नो फैट डाइट, नो डिजाइनर डाइट, नो एनी ओनली वेजिटेबल या फ्रूट डाइट, ऐसा कुछ नहीं होगा इसके अंदर। इसके अलावा नो डिटॉक्स डाइट, नो ग्लूटेन फ्री डाइट जिसमें कि गेहूं को नहीं खाते पूरा दिन। मतलब ऐसी ऐसी बातें सुनने में आती हैं और बेचारी महिलाएं परेशान होती है और वो गेहूं खाना छोड़ देती हैं, रोटी खाना छोड़ देती हैं, ज्वारी का आटा, गेहूं, बाजरे की रोटी और नाचनी की रोटी और पता नहीं क्या क्या, मल्टीग्रेन रोटी। इन सब चक्करों से हम आपको मुक्त कर देंगे, इन सब की कोई एक्चुअली हमारे शरीर को जरूरत नहीं है। ठीक है, नाचनी की रोटी आपको टेस्ट में पसंद है तो जरूर खाएं, बाजरे की रोटी पसंद है तो बाजरे की रोटी खाएं, मक्के की रोटी पसंद है तो खाएं, लेकिन वेट लॉस में इस तरह का ग्लूटेन फ्री डाइट टेम्पररी ही असर देगा, क्योंकि गेहूं को आप पूरी जिंदगी भर के लिए नहीं बंद कर सकते हो। रोटी के रूप में
आपको वो खाना ही पड़ेगा और जैसे ही आप खाना शुरू करोगे आपका वजन बढ़ जाएगा। लेकिन ये सब गेहूं दाल चावल हमारा वजन नहीं बढ़ाते हैं, ये गलतफहमी है। ऐसा क्या करें कि ये सब ना करते भी हमारा वेट लॉस हो? नो कीटो डाइट, जो कि ओनली प्रोटीन के ऊपर डिपेंडेंट होती है, नहीं। नो जीएम डाइट, किसी तरह की कोई वाटर थेरेपी नहीं होगी कि कई लीटर आपको पानी पीना होगा और वेट लॉस करना होगा, नो। नो अजवाइन का पानी, नो मेथी का पानी, नो जीरे का पानी, नो हर्बल प्रोडक्ट, नो केमिकल प्रोडक्ट, नो कार्ब डाइट। नो कार्ब डाइट भी होती है जिसमें आप कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं लेते, ये शरीर के लिए नुकसानदायक है। टेम्पररी आप 2-4-5 किलो वजन कम कर लोगे, लेकिन जैसे ही आप इन सब रूटीन को छोड़ोगे वैसे ही आपका वजन दुगुना हो जाता है। नो कैलोरी काउंट, जी हाँ, कैलोरी को भी आपको गिनना नहीं है। बी योर ओन डाइटिशियन, मैं आपको अपनी फैमिली का डाइटिशियन बना दूंगी, फिर आपको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और इन सब तरह तरह की जो डाइट आ रही है मार्केट में नई नई हर रोज, उनसे आपकी जीवन भर के लिए मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा कि खाने की वजह से ही वेट रिड्यूस होता है। इस योगा क्लास के दौरान बहुत सारी महिलाओं ने मेरे टिप्स को फॉलो किया और उन्होंने मुझे मैसेज भी किया कि आपकी बात सुन के हमने फॉलो किया और हमको कम से कम 5 kg, 6 kg के लगभग हमारा वेट रिड्यूस हुआ। जी हाँ, खाना शुरू करने के बाद सोचिए, जब आप 90 डेज कंप्लीट इस प्रक्रिया में चलेंगे मेरे अंडर में, मेरे गाइडेंस में, आपको कितने कितने बेनिफिट होंगे इसका अंदाजा आपको नहीं है। इसके अलावा अब आते हैं वर्कआउट पर, क्योंकि आपने शरीर को स्ट्रांग बनाया डाइट के बारे में बात करके, या उसको आप लेना शुरू करेंगे, बॉडी आपके अंदर से स्ट्रांग बनेगी, मजबूत बनेगी, हड्डियां मजबूत होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 3 दिन के भीतर आपकी एसिडिटी खत्म हो जाएगी, आपके सिरदर्द और ब्लॉटिंग ये तो विद इन 3 डेज आपके खत्म हो जाएगी। फिर हम शुरू करेंगे आपको खिलाना, जैसे कि ऋतिक रोशन को किया था क्रिस गिफॉन ने, बिल्कुल उसी पैटर्न के ऊपर आपको भी शुरू किया जाएगा। फिर तब आपकी उसके बाद ट्रेनिंग शुरू होगी, जिसमें कि विन्यास योग, पावर योग, पिलाटे योग। विन्यास और ये पावर योग तो आप अभी कर ही रहे हो, लेकिन वो दूसरे रूप में आएगा, उसमें बहुत सारी एक्सरसाइज को चुनकर, गिनकर, डिजाइन करके हर रोज उनको शामिल किया जाएगा। मेहनत कम, सिंपल एक्सरसाइज जिसको हर कोई कर पाए, शरीर में दर्द ना हो, इसी तरह की थकान ना हो, लेकिन कैलोरी बर्न ज्यादा हो और वेट लॉस ज्यादा हो। उसके अलावा पिलाटे, पिलाटे आपकी सबसे अंदरूनी गहरी पेट की मसल को, ट्रांसवर्सेस मसल के ऊपर काम करता है और पेट की चर्बी को कम करता है और आपको डी शेप देता है। पिलाटे मुंबई में आप करने के लिए जाओ, कम से कम 5-6,000 per month और उसमें भी हफ्ते में 1 या 2 दिन क्लास। हर क्लास की कीमत, एवरी क्लास की कीमत कम से कम 2-3,000 रुपए है पिलाटे। इसको केवल हॉलीवुड एंड बॉलीवुड स्टार ही करते हैं, या जो मॉडलिंग में है वे लोग करते हैं। जो योग मैं आप लोगों को करवाती हूँ, योग तो बहुत सारे लोग करवाते हैं, लेकिन जो योगा मैं आपको करवाती हूँ, पिलाटे की टेक्निक, पिलाटे की ट्रेनिंग उसके साथ शामिल होती है, आपके शरीर रिड्यूस होने के साथ साथ, फैट लॉस होने के साथ साथ उसको सही शेप मिले, चर्बी अलग अलग ऐसे हिस्से से कम हो, आपकी कमर से, आपके हिप से, आपके थाई से, आपकी पीठ से, आपके चेस्ट से, एक सही आकार में आपका शरीर धीरे धीरे ढलने लगे और साथ ही आपके नए फिगर, जो आपने कभी भी नहीं देखा अपना, ऐसा फिगर आपको मिलने लगे, और वो भी पहले दूसरे दिन से ही। इंटेंसिटी शुरू में कम होगी, धीरे धीरे उसको बढ़ाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, सभी अपने बॉडी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। इंस्ट्रक्शन उनको उसी समय मिलते रहेंगे, जैसे कि अभी भी आप लोगों को, काफी सारे लोगों को लगभग सारे इंस्ट्रक्शन समझ में आ जाते हैं। इंस्ट्रक्शन के ऊपर भी बहुत इंटेंस इंस्ट्रक्शन होंगे, डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज होगी, वेट लॉस वाली होगी, और कमर को और पेट को कम करने के लिए स्पेशल BBT ट्रेनिंग होगी, यानी कि बिकनी बॉडी ट्रेनिंग, जिसमें कि आपके कर्व, आपकी कमर और आपके वेस्ट और आपके पेट के ऊपर बहुत काम होता है, और जिसे हम कहते हैं बिकनी बॉडी ट्रेनिंग। यदि आप उसको कंटिन्यू रखते हैं कई महीनों तक, आगे भी सच में आपकी बॉडी बिकनी पहनने लायक बन जाती है।
सिक्स पैक आपके बन जाते हैं और पूरी की पूरी आपकी चर्बी पेट और कमर से गायब हो जाती है। इसके अलावा प्राणायाम, अग्नि योग, फ्यूजन योग, मेडिटेशन जिसमें कि अल्फा ब्रेन वेव को एक्टिव किया जाता है, कार्डियो ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बिकनी बॉडी ट्रेनिंग और किक बॉक्सिंग जो अभी तक हमने ऑनलाइन नहीं कराई है लेकिन हम किक बॉक्सिंग को भी इसमें शामिल करने वाले हैं, चक्रा क्लीनिंग, कुंडलिनी अवेकनिंग, उसके साथ ही इवनिंग एरोबिक्स, सोम्बा, कार्डियो डांस, फिटनेस डांस, जितनी भी क्लासेस शाम की होती है म्यूजिक के साथ में हम करते हैं, वे सारी की सारी आपको मेंटली बहुत इमोशनली बहुत हाई करती हैं, आपके मन को खुश करती हैं। म्यूजिक के साथ जब आप डांस करते हैं एक डिफरेंट तरीके का नशा होता है, बहुत हैप्पीनेस मिलती है, उदासीपन गायब होता है, चिड़चिड़ापन, रोना कम हो जाता है। और जो लोग रिजर्व है वे लोग इवनिंग की क्लास जरूर करें, उससे वो थोड़ा सा सोशल होना शुरू हो जाती है क्योंकि बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारे स्ट्रेस इवनिंग क्लास की वजह से कम होता है। इसी तरीके से मॉर्निंग और आफ्टरनून में योग हो मिलेगा आपको, तरह तरह का योग, कार्डियो, म्यूजिकल एक्सरसाइज भी होगा और शाम का वक्त पूरा एवरीडे जुम्बा, एरोबिक्स, फिटनेस डांस, डिफरेंट तरीके के म्यूजिकल फिटनेस ट्रेनिंग होंगी जिसकी वजह से हर शाम को क्लासेस अटेंड करने के बाद म्यूजिक के साथ आपका मूड एलिवेट होता है, स्टेमिना बढ़ता है, हैप्पीनेस आती है और रात को अच्छी तरह नींद आती है और शरीर में बिल्कुल भी थकान नहीं होती। इसके अलावा आपको मिलेगा इसमें 3 ग्रीन टी के पैकेट। जी हाँ, बैम्बू फॉरेस्ट ग्रीन टी मेरा अपना ही प्रोडक्ट है। एक साइंटिस्ट के साथ बहुत डिस्कशन करने के बाद में जो फूड साइंटिस्ट थी दिल्ली की यूनिवर्सिटी की, बहुत बड़े पद पर वो हैं, उनके कहने पर ही मैंने ग्रीन टी को बहुत इंपॉर्टेंस दिया और उसको अपने डाइट में शामिल किया। धीरे धीरे ऐसा मौका पड़ा, मैंने उसके अंदर मेरा बिजनेस शुरू हो गया और ये सच में वेट लॉस में वाकई में हेल्प करता है। जो सही चाय होती है, जो असली चाय होती है और जो पहली और दूसरी पत्ती होती है चाय के पेड़ की, वही आपका वेट लॉस कराने में हेल्प करती है। जो डिप टी या किसी और तरीके की अगर आप ग्रीन टी पीते हो, होल लीफ होनी चाहिए और पहला दूसरा पत्ता ही होना चाहिए, उसमें सबसे ज्यादा कैटेचिन होता है और इसके साथ ही वेट लॉस में और दूसरी शारीरिक समस्याओं को कम करने में वो बहुत हेल्प करता है। ऐसी चाय असल में बहुत महंगी आती है और ये सारी की सारी इस तरह की चाय विदेशों में चली जाती है। हमारे इंडियंस को इस क्वालिटी की चाय पीने को मिलती ही नहीं है। ग्रीन टी, ये ग्रीन टी के 3 पैकेट जिसकी कीमत 2250 यानी कि 2250 रुपए की कीमत है, ये आपको इस प्रोग्राम में 3 ग्रीन टी के पैकेट, बैम्बू फॉरेस्ट ग्रीन टी के पैकेट फ्री में मिलते हैं जो फ्रेश है, 100% प्योर ऑर्गेनिक है। इसके अंदर किसी भी तरीके की ब्लेंडिंग नहीं है, बिटर नहीं है ये चाय, बिल्कुल भी ग्रीन टी कड़वी नहीं है। जो लोग पीते हैं उन सभी को इसका एक्सपीरियंस है। अमेज़न पे भी उपलब्ध है, यदि आपको किसी को गिफ्ट देनी हो या किसी को यदि आप अपने लिए भी यूज करना चाहते हो, इस प्रोग्राम में तो आपको मिलने ही वाले हैं 3 पैकेट, लेकिन उसके अलावा भी आप मंगाना चाहते हो तो वो अमेज़न पे उपलब्ध है। इस कार्यक्रम के दौरान उस ग्रीन टी को कैसे पीना है और कब कब पीना है, वेट लॉस करने के लिए सही टाइम, सही तरीका क्या है, वो आपके 90 डेज प्रोग्राम में आपको अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। इसके अलावा हर तरह की बीमारियों से आपको मुक्ति, थायराइड, डायबिटीज जैसा कि मैंने पहले बताया, हर तरह का पेन, हर तरह की तकलीफें, इसके अलावा वेरिकोस पेन, जी हाँ वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, हर तरह का सिर का दर्द, माइग्रेन समेत, डिप्रेशन, सैडनेस, स्लीपलेसनेस, इंसोम्निया, कोलेस्ट्रॉल, इसके अलावा जो सेल रीजनरेट होते हैं, जैसे मैंने बताया कि नए सेल आपके शरीर में जनरेट होने लगेंगे और बहुत सारे अच्छे अच्छे बदलाव आप अपने शरीर में देखेंगे। बहुत आसान है लंबी आयु जीना। यदि आप बीमार हैं तो बीमारियां जीने नहीं देती हैं और दवाइयां मरने नहीं देती हैं, बहुत अजीब स्थिति में फंस जाते हैं, ना तो जी सकते हैं ना मर सकते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी लाइफ ना ही जिए तो अच्छा है। अपने आप को हेल्दी बनाए, शक्तिशाली बनाए, ताकतवर बनाए और दुनिया भर के हर काम करें। किसी ने पूछा था
कि वर्कआउट करके ही वेट लॉस होता है, आप घर का काम भी करोगे वो भी आपका वेट लॉस कराता है, लेकिन क्योंकि आप घर का वो काम नहीं करते हैं जो हम पुराने जमाने में किया करते थे, कुएं से क्या आप पानी खींचते हो, क्या आप सुबह सुबह चक्की चलाते हो, या क्या आप खेत में हल जोतते हो, या पैदल दूरी क्या आप बिना गाड़ी के करते हो, पैदल आप चलते हो, नहीं चलते हो, ये शारीरिक मेहनत आप नहीं करते हो, इसलिए हमें व्यायाम की जरूरत है। इसके अलावा एक बात और बतानी थी कि जो ग्रीन टी कुछ एक विदेशों से भी कई लोग इस बार ज्वाइन कर रहे हैं 90 डे, तो जब हमने ये प्रोग्राम डिक्लेयर किया था तब हमने ये सोचा नहीं था, वो एक पॉइंट रह गया था, क्योंकि अलग अलग देशों में ग्रीन टी यदि मैं कुरियर करती हूँ तो उसका अलग अलग खर्चा है और बहुत ज्यादा है, तो प्रोग्राम में तो उनको फ्री दिया जाएगा लेकिन जो शिपिंग चार्जेस होंगे वो उनको बेयर करने पड़ेंगे, क्योंकि जब हमने और अलग अलग देशों से, कोई ऑस्ट्रेलिया से है, कोई बहरीन से है, कोई अफ्रीका से है, कोई कनाडा से है, सभी जगह के कुरियर चार्जेस अलग अलग हैं, जो भी एज पर एक्चुअली हमको वो चार्जेस लगेंगे वो केवल आपको अलग से बेयर करने पड़ेंगे, उसके अलावा और कोई चार्जेस उसमें शामिल नहीं होगा। जितनी भी फिटनेस क्लासेस एंड डाइट नॉलेज आपको जितनी डाइट नॉलेज और जितनी क्लासेस आपको दी जाएंगी, इसकी वैल्यू यदि आप क्रिस गिथॉन के साथ करते हो या किसी बड़े सेलिब्रिटी ट्रेनर के साथ में आप करते हो, कम से कम 5 लाख रुपए की ये ट्रेनिंग है। जी हाँ, इसे कम मत आंकिए, क्वालिटी आप देख चुके हैं, नॉलेज आप देख चुके हैं, जब ये प्रोग्राम खत्म होता है तो आप खुद भी बहुत सारी बातों के आप ज्ञानी बन जाते हैं, सही बातें गलतफहमियां टूटती हैं, सच्चाई क्या है बहुत सारी बातों की वो जानने लगते हैं, एक्सरसाइज साइंस क्या है, हम एक मसल को किस तरह पहचान कर हम वेट लॉस करते हैं, या कोई भी व्यायाम करने का बेनिफिट क्या है, आपकी कौन सी मसल को बेनिफिट मिलेगा यदि हम साइड बेंडिंग करते हैं, कौन सी एक्चुअली साइड वाली कौन सी मसल को आप एंगेज करो, बहुत बारीकी से उस पर ध्यान देते हुए जब हम व्यायाम या एक्सरसाइज या योग करते हैं उसका पूरा बेनिफिट मिलता है, शरीर में शेप आता है, चेहरे पे चमक आती है, चर्बी सही रूप में कम होने लगती है, और जब शरीर चर्बी कम होती है तो कहीं से भी झुर्रियां नहीं पड़ती, न चेहरे पर और ना शरीर के भी किसी हिस्से में। अब आती है इसके फीस की बात, तो वो वेबसाइट पे दिया हुआ है लेकिन उसके बावजूद भी एक बार फिर से बता देती हूँ कि यदि आप 7 तारीख के पहले इसे ज्वाइन करते हैं तो 7999 यानी कि लगभग 8000 के वो लगभग है। यदि आप इसको 5 लोग के ग्रुप में मिलकर करते हैं जिसमें कॉम्पिटिशन में प्राइस भी है, आपको ये कार्यक्रम 6999 में पड़ता है। यदि आप 7 अगस्त के बाद में रजिस्टर करते हैं, डिले हो जाते हैं, अर्ली बर्ड डिस्काउंट जो आप पहले ज्वाइन करेंगे तो 2000 का अर्ली बर्ड डिस्काउंट है, लेकिन 7 तारीख के बाद अगर आप करते हैं यही प्रोग्राम आपको 8999 एंड 999 में आपको पड़ता है, यानी कि 9000 और 10000 के लगभग वो कार्यक्रम आपको पड़ता है। इसलिए आप इसे जल्दी से जल्दी 7 तारीख के पहले आप इसे रजिस्टर कर लें, जिससे आपको और भी ज्यादा बेनिफिट मिले। इसके अलावा जितने भी पिलाटिव मूवमेंट होते हैं उसमें आपको बॉडी के पोस्चर, बॉडी के ब्रीद को, पोस्चर को और होल्डिंग टाइम को कितने देर रखना है उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज मिलती है। जी हाँ, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम बीच में आ जाती है, इसमें आपका शरीर पूरा एफर्ट होगा कि आपका शरीर एक मॉडल की तरह, एक फिल्म स्टार की तरह दिखे, ऐसा नहीं है कि आपने देखा होगा जिम जाते हैं लोग उनके मसल कुछ ज्यादा ही डेवलप हो जाते हैं और योगा करने के बावजूद भी शरीर में कोई शेप नहीं आता, लेकिन पहले भी आपने देखा होगा
कि शुरू से मैं बताती रहती हूँ कि यदि आपको अपना शरीर मॉडल जैसा चाहिए, फिल्म एक्ट्रेस जैसा चाहिए, जो कि बुराई नहीं है, होना भी चाहिए, महिला होने के नाते खूबसूरत होना होना हमारा अधिकार है। शरीर से, चेहरे से अपने आप को फिट रखना, ये होना ही चाहिए। इसके अलावा मॉडल की तरह, फिल्म एक्ट्रेस की तरह, किस तरह अपने उनको भी बॉडी को बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। उनकी वो बॉडी नेचुरल नहीं होती है, बहुत मेहनत लगती है उनको ऐसा शरीर बनाने में, वो ट्रेनिंग लेते हैं। बिल्कुल वही ट्रेनिंग आप लोगों के शेप को बनाने में हम इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, और उसका काफी सारे हिस्से से अभी आप पिछले 3 महीने से गुजर भी रहे हो। जो रेगुलर करते हैं उन्होंने इस बात को अनुभव किया भी होगा और अपने शरीर में बदलाव देखा भी है। जो फीडबैक मुझे आते हैं और मुझे उससे पता भी चल रहा है कि आपके शरीर में काफी अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। इसके अलावा आई फीस की बात, और हो सकता है कि फिर आप लोग सोचें अगला कदम ये होगा कि ठीक है, आपको ये सारी बातें सुन के आप लग रहा होगा कि इस कार्यक्रम को मैं जरूर ज्वाइन करूं, लेकिन फिर आती है बात इसकी फीस की। फिर वो कहती है महिलाएं कि ठीक है हम अपने पति से पूछेंगे, लेकिन जब आप एक महंगा कपड़ा खरीदते हो या जब आप किटी के लिए हर महीने कई हजार रुपए किटी में जमा करते हो और उसके बाद आप उसे डायमंड या गोल्ड खरीदते हो, और या रेस्टोरेंट में आप एक बार में 3 से 4 हजार रुपए बिना पूछे खर्च कर देते हो, या घूमने फिरने में लाखों रुपए खर्च कर देते हो, लेकिन अपने आप पर, अपने शरीर के लिए आप क्या करते हो, जो कि आपकी ऐसा शरीर जो निरोगी हो और जिसको बनाने के लिए जो कि लाखों रुपए भी आप पे करोगे, करोड़ों रुपए भी पे करोगे, वो स्वास्थ्य, वो हेल्थ आपको नहीं मिलेगी। हेल्थ कभी भी पैसे से खरीदी नहीं जा सकती, लेकिन वो एक सही नॉलेज के साथ, सही ज्ञान के साथ, सही एक्सरसाइज के साथ हम अपने आप को किस तरह मजबूत बनाए, हेल्दी बनाए, खूबसूरत बनाए और हमेशा के लिए ऐसा शरीर पाए जो कि चिंताओं से मुक्त हो। और इसमें आपकी फैमिली की भी खुशी है, इससे आपकी फैमिली, आपके बच्चे, वो भी आपसे खुश रहेंगे, और किसी भी ऐसे काम के लिए पैसे खर्च करने में संकोच नहीं होना चाहिए। ये प्रोग्राम तो मैं फ्री भी कर सकती हूँ जिस तरह से पिछली योगा क्लास चलाती आ रही हूँ, लेकिन जब तक आपका कमिटमेंट नहीं होगा, जब तक आप इस पैसे के बंधन में नहीं बंधेंगे, आप इसका पूरा फायदा नहीं उठाएंगे। किसी दिन आप क्लास अटेंड करेंगे और किसी दिन नहीं करेंगे, सोचेंगे हाँ होना है तो हो जाएगा, नहीं होना है तो नहीं हो जाएगा, मेरा क्या जाता है, क्योंकि मेरा तो कुछ इसमें लगा ही नहीं है। लेकिन जब आप पे करते हो, जब आप फीस पे करते हो, आप बंधन में बंध जाते हो और हर एक पैसे की कीमत वसूल करना चाहते हो। सिर्फ इसी वजह से मैं फ्री की क्लास को बंद कर रही हूँ, क्योंकि 4 मंथ का टाइम कम नहीं होता, और यदि उसमें आपको जुड़ना भी है जो रेगुलर योग करना चाहते हैं और डाइट नहीं करना चाहते हैं, वे भी 90 डेज में आ जाने से बेहतर है, क्योंकि उनकी भी ट्रेनिंग सही रूप में साथ चलती रहेगी और जो सभी को बेनिफिट हो रहे हैं वही आप सबको भी होते रहेंगे। इसमें ज्यादा से ज्यादा रूप में जुड़िए, अपनी सहेलियों को, अपने रिश्तेदारों को जो कि बहुत दुखी है अपने शरीर से, अपने आप से, उनको ज्यादा से ज्यादा जोड़िए। यही ट्रेनिंग लाखों लाखों रुपए में बाहर करने के बावजूद भी आपको वो बेनिफिट नहीं होगा जो इस प्रोग्राम में होता है। मैं जो पर्सनल सेशन लेती हूँ, पर्सनल गाइडेंस देती हूँ, पर्सनल काउंसलिंग करती हूँ, उसकी मिनिमम फीस मेरी 30,000 है 3 मंथ की, और 180 डेज की 50,000 है। यदि आप वो भी नहीं करना चाहते हैं तो इसी वजह से ये प्रोग्राम, जिससे कि ज्यादा संख्या से महिलाएं जुड़ सके जो इतना फीस नहीं पे करना चाहती हैं, उनके लिए ये वाला प्रोग्राम मैंने लॉन्च किया है और हमेशा से करती रही हूँ। बहुत हाईली सक्सेसफुल रहा है। प्रेशर आप पे इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इसमें आपका बेनिफिट बहुत ज्यादा है। इसके अलावा कुछ प्रश्न जिन्होंने पूछे थे उनके बारे में मैं जिक्र करूंगी, और उसके बाद यदि किसी को कुछ पूछना है तो वे पूछ सकते हैं। वैसे तो मैंने काफी सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं, लेकिन किसी ने पूछा है कि डेफिशिएंसी है
एनर्जी बहुत लो लगती है और काम में मन नहीं लगता और वर्कआउट कैसे होगा। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि शुरू से ही हम उसको आपके शरीर को हेल्दी बनाने पे, स्ट्रांग बनाने पे काम शुरू करेंगे और फिर वर्कआउट की इंटेंसिटी को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। जो हाई इंटेंसिटी वाला होगा वो भी एक्चुअली बहुत ईजी होगा और रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। इसके अलावा किसी और को भी अगर कोई प्रश्न पूछने हो, क्योंकि मेरे पास तो अंतहीन प्रश्न है, मैं चाहती हूँ कि आप लोगों ने जो सुना है, आप लोगों में से कोई अटेंड करना चाहे तो हम, क्योंकि समय की कमी है, समय पूरा होने वाला है, कोई पूछना चाहते हो, जानना चाहते हो तो अपना हैंड रेव करें। आपके सामने एक बटन होगा हैंड रेव का, वे लोग करें और कोई प्रश्न पूछें यदि जानना चाहते हो इस कार्यक्रम के बारे में और भी। रचना जी, रचना जी आपका माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ हेलो आशा जी। हाँ बोलिए रचना जी। मेरे एक रिलेटिव हैं, उनको ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम है। एक मिनट रचना जी, एक मिनट। ओके हाँ बोलिए। मेरी और थोड़ा सा माइक को अपने पास में ले आइए, थोड़ा सा जोर से बोलिए। हेलो। हाँ जी, इज इट बेटर? हाँ सुनाई दे रही है बेटर। यस मेरे एक रिलेटिव हैं जिनको ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम बहुत सीवियर है और अभी फिलहाल पोजीशन ये है कि वो बेड से भी नहीं उठ पा रही है, तो क्या ये 90 डेज का ये जो है अपना कोर्स उनको हेल्प करेगा? ओके सुनाई दिया मुझे। आपने ये कहा कि जो आपकी रिलेटिव है वो बेड से भी नहीं उठ पा रही है और ऑस्टियोपोरोसिस है। हाँ, वो बेड पे लेटे लेटे भी आराम से कर सकती हैं। एक हमारी पिछली पार्टिसिपेंट थी जिनको फ्रैक्चर हो गया था, एक्चुअली दो पार्टिसिपेंट थे जिनको फ्रैक्चर हो गया था और फ्रैक्चर के बावजूद भी बिना कोई काम किए उन्होंने 5 kg वेट रिड्यूस किया। डाइट के द्वारा काफी सारा वेट रिड्यूस किया जा सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस को रिवर्स किया जा सकता है। बॉडी का कैल्शियम जब आप सही तरीके से डाइट लेना शुरू करते हो इम्प्रूवमेंट काफी होता है। वे हो सकता है डाइट को फॉलो एक्सरसाइज ना कर पाए, हाँ, लेकिन वो डाइट के द्वारा अपने वेट को भी रिड्यूस कर सकती है और अपनी हेल्थ प्रॉब्लम को रिवर्स कर सकती है। जी हाँ, उनको बहुत बेनिफिट होगा और वो ज्वाइन करेंगी तो अच्छा है। जितने भी डाइट सेशन होंगे वो सुनेंगी और उनको फॉलो करेंगी, उतने में भी उनका काफी वेट रिड्यूस हो जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों को स्लिप डिस्क है, हाँ, या जिन लोगों को नी प्रॉब्लम है, वे लोग भी आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ एक्सरसाइज उनको नहीं करनी होती है, वो मेरे इंस्ट्रक्शन साथ के साथ ही वर्कआउट के दौरान मैं देती रहती हूँ। और जो नहीं भी कर सकते हैं वर्कआउट कोई भी तरीके का, के लिए भी वेट लॉस पॉसिबल है। Okay. क्योंकि एक्सरसाइज की वजह से, व्यायाम की वजह से वेट लॉस नहीं होता है, वो आपको मदद करता है, वो आपको हेल्प करता है। और गलत तरीके से किया या डाइट को फॉलो करके नहीं किया तो वही वर्कआउट आपके वेट को बढ़ाता है, आपकी बॉडी को डैमेज करता है। इसके बारे में बहुत गहराई से जब ये कार्यक्रम शुरू होगा इसके बारे में बहुत गहराई से आपको समझाया जाएगा और तब आपकी बहुत सारी भ्रम टूटेंगे। जो मैं बार बार कहती हूँ कि कई भ्रम ऐसे हैं कि आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ज्यादा वर्कआउट या एक्सरसाइज हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। जो मैराथन रन करते हैं यदि उन्होंने अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा, अपने डाइट पे ध्यान नहीं दिया, वही रनिंग उनके पैरों को धीरे धीरे ऐसा नुकसान पहुंचाती है कि उनकी मैराथन रनिंग काफी कुछ समय के बाद में बंद हो जाती है। इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में तो नहीं कहूंगी क्योंकि और भी लोग पूछना चाहते हैं। दक्षा मेहता जी कुछ पूछना चाह रही हैं। मैम ये पूछना था कि आप डाइट प्लान भी देंगे ना? डाइट प्लान? हाँ, डाइट प्लान आपको कई तरीके के मिलेंगे, कम से कम 6 से 7 तरीके के आपको डाइट प्लान मिलेंगे, जिसमें कि मेटाबॉलिज्म फास्ट होने से लेके फिर वेट लॉस पे जाएंगे, बिकनी बॉडी डाइट प्लान है। बाहर आपको क्या खाना है, जब आप शादी में जाएंगे,
हॉलीडेज पे जाएंगे उस समय भी उसके लिए भी आपको एक मील प्लान दिया जाएगा, यहाँ तक कि फेस्टिवल और फास्टिंग कैसे करनी है, उपवास को इस तरीके से करें कि वो आपको वेट लॉस में हेल्प करे, और उस उपवास में भी आपको खाने के लिए ही एंकरेज करेंगे। भूखा रहकर आपको उपवास, जितने भी आगे त्योहार आने वाले हैं उसी के अकॉर्डिंग हम आपको डाइट देंगे। हर तरह के मौके की आपके लिए डाइट होगी, जिससे कि फ्यूचर में जैसे जैसे वो मौके आते जाएं कि यदि आपको उपवास करना है, यदि आपको बाहर जाना है, हॉलीडेज पे जाना है, उसके अकॉर्डिंग शादी में अगर आपको खाना है तो क्या खाएं सर, कि आपका वेट रिड्यूस हो, बढ़े नहीं। कोई और प्रश्न? सौम्या जी, तृप्ति, तृप्ति परमार जी बोलिए। तृप्ति जी, मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, आप बार बार जो बता रहे हो पॉइंट पे आप जोर दे रही है कि लोअर बॉडी आपका बिकिनी और ये सब टमी ये सब लॉस होगा। एक मिनट ना, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अपने माइक को मुंह के पास में ले लें और थोड़ा सा जोर से बोलें, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हेलो हेलो, हाँ एक बार फिर से बोलिए। हेलो, हाँ जी बोलिए। बोलिए तृप्ति जी, आप बता रहे हैं कि लोअर बॉडी पोर्शन कम हो जाएगा, आप बार बार इस बात पर शोध डाल रही है, तो मेरा सवाल ये है कि आप, मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या अपर बॉडी भी कम होगा इससे? हेलो, ओके जी हाँ, आपने ये प्रश्न पूछा है कि मेरी अपर बॉडी कम हो पाएगी क्या, लोअर बॉडी की तो हम बात करते हैं, अपर बॉडी कम हो पाएगी? ये जो फैट रिड्यूस होता है वो आपके पूरे बॉडी से एक साथ रिड्यूस होता है, आपके अपर बॉडी से, आपके पेट से, आपके हिप से, आपके थाई से, आपकी कमर से, आपके पीठ से, आपके चेस्ट से, आपके गले से, आपके चेहरे से, और शरीर के हर हिस्से से बराबर वजन जाएगा। मेजर तो हम कुछ हिस्से का करते हैं, लेकिन एक्चुअली फैट आपके हाथों से भी, यहाँ तक कि आपके एल्बोज के आगे की भी जो चर्बी है वो भी कम होगी। इसके अलावा झुर्रियां नहीं पड़ेगी, और स्किन आपके हड्डी के जो चमड़ी है वो हड्डी के धीरे धीरे और पास आती जाएगी और बिल्कुल टाइट हो जाएगी, वो कोलेजन की मात्रा अच्छी बनने लगेगी और इलास्टिसिटी आपके शरीर की चर्बी की चमड़ी की बनी रहेगी, कहीं से भी चर्बी लूज नहीं होगी और पूरे शरीर से जाएगा। उसके लिए आप देख लीजिए बिफोर एंड आफ्टर के जो चेंजेस हैं, जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स के उसके अंदर फोटोग्राफ आ रहे हैं उनको आप ध्यान से देखिए, तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके का मॉडल जैसा ब्यूटीफुल शरीर उनका मिला है। और जब उनकी शरीर चौड़ा था, वजन बहुत ज्यादा था और चर्बी से भरा हुआ था, तब में और अब में बिल्कुल मॉडल जैसा, किसी फिल्म एक्ट्रेस जैसा और प्रॉपर फिगर वाला शरीर उनको मिला है। यदि आप भी पूरी मेहनत करोगे तो बिल्कुल आपका जो आइडियल शेप होना चाहिए, आपकी बनावट, आपके शोल्डर के साइज, आपकी बोन की इतनी डेंसिटी है या आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको बेस्ट साइज एंड शेप मिलेगा, वो चाहे वो अपर बॉडी हो, चाहे मिडल हो, चाहे लोअर बॉडी हो, कोई भी हिस्सा हो। हाँ जी, अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अंजना गुप्ता जी से। हेलो, हाय हाय अंजना जी, मेरे को पूछना था ये 90 डेज में ये योगा का, तो आपने टाइम दिया था 6:30, 11:30 और इवनिंग सेशन, राइट, एरोबिक्स का, तो उसमें कैसे दो मॉर्निंग में हुआ करेंगे ये योगा सेशन? जो मॉर्निंग बैच होगा 6:30 वो उसमें भी योग होगा, जो 11:30 होगा उसमें भी योगा है, लेकिन जो इवनिंग वाला होगा वो एरोबिक 6:30 मॉर्निंग एंड आफ्टरनून लगभग सेम चलेगा, उसमें कभी कभी कार्डियो भी होगा, कभी कभी म्यूजिकल कार्डियो भी होगा, डिफरेंट तरीके का योगा, क्योंकि मॉर्निंग एंड आफ्टरनून टाइम योगा के लिए बेस्ट होता है और इवनिंग एरोबिक्स होगा। तीन में से आप कोई भी बैच आपके अकॉर्डिंग कभी भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर बैच के लिए ही आपको रजिस्टर करना है, नहीं, आपको
आप इसमें से कोई एक बैच अटेंड करना चाहते हैं, कोई लोग दो बैच अटेंड करना चाहते हैं, कोई लोग तीनों बैच अटेंड करते हैं, किसी भी तरीके की रोक टोक नहीं होगी। आप अपनी सुविधा अनुसार, आपके सामर्थ्य के अनुसार, एक बैच, दो बैच, तीन बैच, आपके सब जो आपको सूट होता है आपके अकॉर्डिंग आप वो अटेंड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने केवल मॉर्निंग के लिए ज्वाइन किया या आपने केवल इवनिंग के लिए, नहीं। किसी दिन आप हो सकता है सुबह टाइम ना मिले तो आप 11:30 कर लें, क्योंकि वो ऑनलाइन होगा, डायरेक्ट होगा। किसी दिन दोनों टाइम नहीं मिला तो शाम को करें, कोई कोई मॉर्निंग और इवनिंग दोनों करते हैं। हमारा जब 90 डे सेंटर में चलता था, कई लोग दिन में तीन बार भी आते थे, सुबह भी, दोपहर को भी, शाम को भी। उसी तरीके से हमने यहाँ पे भी किया है, तीनों बैच में, एक बैच में, दो बैच में, जहां आपके जाने का मन हो आप जा सकते हैं। इसका भी रिकॉर्डिंग रहेगा क्या? इसका रिकॉर्डिंग जी हाँ रहेगा, लेकिन जो बोलेंगे तब उनको दिया जाएगा। और एक हो सकता है कि हम एक स्पेशल क्लोज ग्रुप बना ले जो केवल 90 डेज वालों के लिए होगा, और उस ग्रुप के अंदर आपको वो वर्कआउट मिल जाएगा। तो ये तीनों बैच अगर आप नहीं कर पा रहे हो, यदि आप वर्किंग हो, तब आप उसमें से अपने फाइव टाइम के अनुसार आप उस रिकॉर्डिंग को देखकर अपना वर्कआउट किसी भी समय पे कर सकते हो। क्योंकि मॉर्निंग वाला हो जाता है, इवनिंग में थोड़ा सा रहता है, कभी हम इधर उधर हो गए किसी टाइम पे। हाँ, इवनिंग वाले के लिए भी काफी सारे यूट्यूब वीडियो और हमारी रिकॉर्डिंग रहेगी, वो आपको मिल जाए करेगी। थैंक यू। ओके अंजना जी, सौम्या शर्मा जी, सौम्या जी कुछ पूछना चाह रही हैं। हेलो मैम, बोलिए सौम्या जी। मैम, ये हम 90 डेज का प्रोग्राम आपका 3 महीने का कंप्लीट करते हैं, डाइट प्लान और पूरा वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद, जब हम उस प्रोग्राम को छोड़ते हैं तो क्या फिर से हमारा वेट पुट ऑन होता है क्या? एक्चुअली बहुत सही सवाल है और ये सबके मन में ये शंका आती है। यदि आप इस प्रोग्राम को कहीं और करते या किसी और डाइटिशियन के साथ, तो पक्का आपका वेट वापस आ जाता, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ ये वेट आपका वापस नहीं आएगा, बल्कि वो रिड्यूस ही होता जाएगा, बढ़ेगा तो कभी नहीं। और यदि कभी कभार 100 ग्राम 200 ग्राम बढ़ भी गया, वो किस तरीके से आपको रिड्यूस कर लेना है उसकी ट्रेनिंग भी आपको दी जाएगी, वो भी इस कंप्लीट प्रोग्राम के अंदर। उस ट्रेनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि इस प्रोग्राम को छोड़ने के बाद भी आपका वेट बढ़े ना, बल्कि रिड्यूस ही होता रहेगा। और उसमें आपको किसी भी तरीके के कोई नियम पालन नहीं करने होते। नियम इन द सेंस, यदि आप जिस समय हमारा ये प्रोग्राम चलता है तो खाने के समय को बाद में आप लापरवाही में कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपका वजन नहीं बढ़ेगा, उसकी तो पक्की गारंटी है, क्योंकि जो वजन बढ़ने के रीजन आपको पता चल जाएंगे, उन सब जिन सब बातों से आपको अभी शंकाएं हैं, जो कारण आप समझते हैं कि इन इन वजह से वजन बढ़ता है, ये सारे भ्रम आपके टूट जाएंगे और फ्यूचर में वजन नहीं बढ़ेगा, वो वेट वापस नहीं आएगा, इसी बात की सबसे बड़ी गारंटी है और यही इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी खूबसूरती है। थैंक्स मैम। ओके सोम्या जी, और कोई पूछना चाहते हैं, और कोई प्रश्न? नो मैम। रचना जी ने हाथ उठाया है फिर से। हेलो आशा जी। ये जो हमारा 90 डेज का प्रोग्राम खत्म होगा, उसके बाद में जो आपके योगा सेशन या जो जुम्बा और एरोबिक्स वगैरह होंगे, तो अगर वो हमें कंटिन्यू करना है तो हमें फिर से वो जॉब कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा? नहीं, जैसे हमारे अभी तो ऑनलाइन चल रहे हैं, सेंटर में भी हमारे इसी तरह चलता है, जब 90 डेज खत्म हो जाता है तो फिर से फ्री क्लासेस शुरू हो जाती हैं। और कम से कम अगले एक साल तक मुंबई में कोरोना का खतरा बना हुआ है, जिम और योगा के लिए उन्होंने सेंटर में अलाउ तो कर दिया है, लेकिन इस समय वही सबसे ज्यादा खतरनाक जगह है कोरोना के फैलने की, क्योंकि जब हम ब्रीथ तेजी से ज्यादा करते हैं तो ड्रॉपलेट्स या प्राणायाम के दौरान ड्रॉपलेट्स जो गिरेंगे, और यदि किसी को कोरोना हुआ तो उस बीमारी के फैलने का खतरा योग क्लास में या योगा सेंटर में और या जिम के अंदर सबसे ज्यादा है। इसलिए मुंबई की स्थिति मुझे नहीं लगता कि कम से कम 1-1.5 साल तक सुधरेगी, और जैसे ही हमारा 90 डेज खत्म होगा,
इस फ्री क्लास को हम मेंटेन रखेंगे, आगे हम इसे फिर से शुरू कर देंगे जैसे अभी 3 मंथ 4 मंथ से चल रही थी, अब 90 डेज चलेगा, जैसे 90 डेज खत्म हो जाएगा फिर से हम इसको ऑनलाइन फ्री क्लासेस के रूप में जारी रखेंगे। और उम्मीद हमें कोरोना से मुक्ति की उम्मीद कम से कम जनवरी फरवरी तक नहीं है, क्योंकि काफी सारा उसके बारे में पता किया है कि मुश्किल है कोरोना की परेशानी अभी मुंबई में खत्म होना। और कोई रेशमा शाह जी, रेशमा जी हेलो हेलो बोलिए रेशमा जी, सुनाई दे रहा है? आई वांटेड टू आस्क, आपने जो ब्लड टेस्ट वगैरह की बात की थी तो वो तो अभी नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ कोरोना, राइट? करेक्ट। तो हाँ, तो फिर वो मतलब जरूरी नहीं है ना? नहीं, इस प्रोग्राम में हम कोई भी ब्लड टेस्ट नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि इस समय आप लोगों का लैब तक विजिट करना या डॉक्टर के पास विजिट करना खतरे से खाली नहीं है। यही बात को सोचते हुए हमने इस प्रोग्राम को ब्लड टेस्ट से मुक्त रखा हुआ है। यदि आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है और पहले ब्लड टेस्ट आपने करा रखे हैं उतना ही काफी है। इस बार हम आप लोगों से कोई भी तरीके का ब्लड टेस्ट नहीं करा रहे, जितना आप लैब से दूर रहें या डॉक्टरों से इस दौरान हॉस्पिटलों से दूर रहें वो सभी के लिए अच्छा है। नेक्स्ट आशा कमानी जी, आशा जी मुझे ये पूछना था, भाई हम लोग जैसे 5 जन ग्रुप में है तो वो 5ों का फॉर्म कैसे भरना है? पैसा एक साथ में आएगा आपको तो फॉर्म हम लोग को कैसे भरना है आपका? फॉर्म वो लोग सब भर दें, और जब जहाँ पे वो पेमेंट वाला लिंक, अच्छा जब आप फॉर्म सभी इंडिविजुअली भरेंगे और जहाँ पे पेमेंट के बारे में डिटेल है वहां पे आप अपने ग्रुप लीडर का नाम लिख सकते हैं। ओके समझे आप? जहाँ पे आपको पेमेंट के बारे में डिटेल देने हैं वहां पे आप ग्रुप लीडर का नाम लिख देंगे। ठीक है। और दूसरा ये पूछना था, मेरी सिस्टर है वो उसको इसका प्रॉब्लम है, सेनो प्रॉब्लम की नहीं, बीपी नहीं, अपना क्या बोलते हैं, थायराइड का प्रॉब्लम है, और वो एक्सरसाइज नहीं कर सकती लेकिन चल सकती है, तो उतना चलेगा? जी हाँ बिल्कुल चलेगा। जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं उनके लिए भी ये प्रोग्राम और ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि जो शारीरिक व्याधियां समस्याएं उनको हैं उनसे मुक्ति पाने का यही एक जरिया है। व्यायाम की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, केवल वो खड़े होकर या बैठकर केवल थोड़ा सा स्ट्रेचिंग और अपने हाथों और पैरों के मूवमेंट वो कर सकती हैं। चेयर योगा भी जैसे मेरे वीडियोस हैं उसमें से देख के वो कर सकती हैं, बिल्कुल भी व्यायाम किए बिना भी वो अपना काफी अच्छा वेट लॉस कर सकती हैं और शरीर को अंदर से स्ट्रांग बना सकती हैं। उनको थायराइड या कोई भी जो भी उनको परेशानी है वे आराम से इस प्रोग्राम को ज्वाइन करके कंप्लीट करेंगी और उनको काफी सारा बेनिफिट होगा। बिल्कुल बेखौफ होके आप उनको ज्वाइन कराइए। डाइट का वर्कआउट से एक्चुअली कोई लेना देना नहीं है। हाँ जागृति जी को मैं अनम्यूट करती हूँ। जागृति मकवाना जी बोलिए। जागृति मैम, मैं हर एक महिलाओं को एक मैसेज देना चाहती हूँ। जरूर जरूर। मैं 90 डेज की विनर हूँ। हाँ जी। तो मैं हर एक महिलाओं को ये मैसेज देना चाहती हूँ। कहीं सेशन में अभी मैम के अटेंड नहीं कर पाई हूँ लेकिन आज मैं जरूर स्पेशली मैंने आज ये सेशन अटेंड किया है। कहीं महिला बहुत सोच रही है कि हम ये ज्वाइन करें या ना करें, तो आज मैं आपके सामने एक जीता जागता सबूत हूँ। मेरा जो वेट था मतलब 95 मतलब 100 के अंदर, मतलब 95 के आसपास मेरा वेट था, और हम लोग महिला चाहते हैं कि हम लोग बहुत कुछ हेल्थ इश्यूज हमारे होते हैं, और मेरा खुद का भी इतने सारे हेल्थ इश्यूज थे मुझे, जैसे कि हेमोग्लोबिन मेरा ओनली 4-5 और मेरा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम, और
मतलब मैं इतना मेरा ब्लीडिंग ओवरफ्लो हो रहा था, उसकी वजह से मुझे मेरा यूट्रस भी निकालना पड़ा मुझे। तो मेरे इतने सारे प्रॉब्लम से मैं डॉक्टर के पास जाकर इतनी थक गई थी। तब मेरा यूट्रस निकालने के बाद मैंने सोचा कि ये पूरा जिंदगी क्या मैं ऐसे ही रहूंगी। फिर बाद में मैंने अपने बारे में बहुत कुछ सोचने के बाद मैंने आशा आशा जी को ज्वाइन किया और आज एक मैं जीता जागता सबूत हूँ कि मैंने आज बहुत सारा मेरा जो हेल्थ इश्यूज है वो आज हेल्थ इश्यूज मेरे नहीं रहे हैं। मेरा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का मतलब मेरा एक हाथ जो है वो ऊपर ही नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने तो मुझे बोल दिया था कि आपका जो लेफ्ट वाला जो हाथ है वो अभी बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। तो मैं इतनी डर गई थी ना, सच में बोलती हूँ। आज मैं मेरा अपनी बात मन की मैं आपके सामने रख रही हूँ। तो कोई महिला प्लीज मत सोचे कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। और हम अगर स्वस्थ रहेंगे तो हमारी फैमिली के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और सबसे पहली बात जो हमको मन चाह फिगर कभी मिलना मुश्किल है वो आज मैंने मन चाह फिगर भी अटेम्प्ट किया है। और सबसे बड़ी बात आज मैंने 63 kg मेरा वेट किया है, ये कभी जिंदगी में मैंने सोचा ही नहीं था। और मुझे कोई हेल्थ प्रॉब्लम अभी नहीं है, मैं ओनली कैल्शियम की गोली के अलावा और कोई सप्लीमेंट नहीं लेती हूँ। आज मैं एकदम हेल्थ में एकदम वो हो गई हूँ, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं मेरी जैसी कई महिलाओं को ये एक आदेश एक मैसेज देना चाहती हूँ कि ये प्रोग्राम आप लोग जरूर अटेम्प्ट करें। और आप भी मेरी जैसी इतनी सुंदर स्वस्थ और आज मैं मॉडल लुक में आ गई हूँ, जैसे कि मैम कब से बता रहे हैं कि कई महिलाएं महिलाओं का शेप चेंज किया हुआ है, तो उसी में से मैं खुद भी हूँ। इसके लिए आज मैं आपको मैसेज देना चाहती थी। ये सेशन मैंने इसीलिए अटेंड किया है, मेरे गुरु अगर मुझे कहे ना कहे लेकिन मैं उनके लिए जरूर कहूंगी कि प्लीज आप लोग भी ज्वाइन होइए, आप एक अच्छा फिगर मेंटेन कीजिए। और आप अगर स्वस्थ रहोगे तो जरूर आपकी फैमिली के लिए आप एक प्रेरणा का स्रोत बनोगे। थैंक यू सो मच। और आप लोग सब प्लीज ज्वाइन कीजिए, बहुत आपको मजा आएगी और मेन आप खुश रहोगे, सबसे पहली बात वो। थैंक यू सो मच मैम। बहुत सही बात कही जागृति जी आपने। जागृति जी का बिफोर वाला आप फोटो देखेंगे तो एकदम भौचक्के हो जाएंगे। जितनी मेहनत करके उन्होंने उसको रिड्यूस किया और जितने भी जिन्होंने अचीव किया है आप उन सबको देखिए, इतने लटकी हुई चर्बी और लटका हुआ पेट बिल्कुल फ्लैट हो गया और शरीर बिल्कुल मॉडल की जैसा, एकदम ब्यूटीफुल और मॉडल जैसा और फिल्म स्टार की जैसा शरीर जागृति जी ने अपना बना लिया है। और जो हैप्पीनेस लेवल उनका बढ़ा है वो इतनी पॉजिटिव हो गई है, इतनी पॉजिटिव हो गई है और एनर्जी और ताकत से भरपूर। दो दो बैच, तीन तीन बैच वो अक्सर अटेंड करती हैं योगा के। एक बार आप अपनी एनर्जी बढ़ा लीजिए और फिर आप उसके बाद देखिए आप दुनिया का कौन सा काम नहीं कर सकती हैं। नए नए लक्ष्य बनाइए, अपने शौक को पूरा कीजिए, अपने पैशन को आगे बढ़ाइए, लेकिन शरीर में उसके लिए सबसे पहले ताकत होनी जरूरी है। दक्षा मेहता जी से रिक्वेस्ट करूंगी। दक्षा मेहता जी ने हैंड रेज किया जी। दक्षा जी कल आई एम पेइंग द मनी, तो खाली उसका स्क्रीनशॉट करके बाद में फॉर्म भरना है, राइट? जी हाँ, जब आप फॉर्म भरेंगे फॉर्म को भरने के दौरान बीच में आपको आपको पेमेंट करके फिर आप फॉर्म भरेंगे और उसका स्क्रीनशॉट आप उस दौरान फिल करेंगे, ठीक है? और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। मैम ग्रीन टी इज मैंडेटरी? ग्रीन टी इज मैंडेटरी? ग्रीन टी आपको इस पैकेज में इंक्लूडेड है। ओके, इस पैकेज में वो शामिल है आपके। जी हाँ, ओके, थैंक यू। इस ग्रीन टी से आपको वेट लॉस में बहुत हेल्प मिलती है क्योंकि ये एक्चुअली रियल टी है, अपर आसाम की है। 3P यानी कि सेम डे प्लक की हुई, अनब्लेंडेड, सेम डे प्रोसेस एंड पैक की हुई, प्लक की हुई ऐसी टी सच में आपके वेट लॉस को बहुत हेल्प करती है, मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती है और पेट के आसपास की चर्बी को कम करने के लिए, विसेरल फैट को कम करने के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। थैंक यू।
और जो सबसे पहला वाला प्रोग्राम था उसमें हमने एक ही दी थी, हमने पिछले वाले प्रोग्राम से ही आपके लिए पूरे 3 महीने के दौरान इसको शामिल किया है कि आप पूरे 3 महीने के दौरान इसको दिन में 2 से 3 बार आप ले सकते हैं, और ये अमेजोन पे भी अवेलेबल है। इससे आपको ज्यादा बेनिफिट होता है। और किसी को कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? कोई भी कंफ्यूजन है जरूर पूछिए, भले ही चाहे छोटा सा क्यों ना हो। मुझे लगता है अभी शायद कोई प्रश्न नहीं है। फिर भी यदि आपको लग रहा हो कि यहाँ पे नहीं पूछ सकते, मुझे पर्सनल में पूछना चाहिए, तो डेफिनेटली पूछें, मुझे कॉल करें या मैसेज करें, अपनी दुविधाओं को दूर करें। ये प्रोग्राम आपको कितना बेनिफिट देगा उसके बारे में भी आप मुझे पर्सनल में चाहे तो पूछ सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आया ज्योति सिंह जी ने। ज्योति सिंह जी बोलिए, बोलिए ज्योति जी। हेलो मैम, बोलिए ज्योति। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम, ये मेरी मॉम है, इन्हें डायबिटीज है फॉर द पास्ट 2 इयर्स। इनका ऑस्टियोपेनिया टेस्ट, बोन डेंसिटी टेस्ट करवाया था हमने फ्यू मंथ्स बैक, तो उन्हें ऑस्टियोपेनिया निकला है, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस नहीं है, इनिशियल थोड़े एक स्टेज कम है, ऑस्टियोपेनिया कहते हैं, ऑस्टियोपेनिया निकला है इन्हें। और इनकी एक्सीडेंट में, रोड एक्सीडेंट में इनका लेफ्ट नी का एक्सीडेंट हुआ था, तो उसमें एक स्क्रू लगाया गया है, तो नी में स्क्रू है। शी कैन डू ऑल हर जॉब्स प्रॉपरली, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है किसी भी काम करने में। और 3 साल पहले इनका हिस्टरेक्टमी यानी यूट्रस निकाला गया था अलोंग विद ओवरीज, तो वो अभी विदाउट ओवरियन हार्मोन्स के है एज अ मेनोपॉजल। ओके बेटा, तो क्या ये आपका 90 डेज प्लान ले सकते हैं क्या? मैं इसमें और डिटेल में जाना चाहूंगी, क्योंकि आपकी बातों से जो मैं जानना चाहती हूँ मुझे वो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। आप मुझे कॉल कीजिए और जरूर कीजिए, क्योंकि मैं इसमें डीप में जान के समझ के और फिर मैं सही तरीके से एडवाइस मैं आपको तभी कर पाऊंगी। आपका नाम क्या है? आप मुझे जब ये प्रोग्राम खत्म हो जाए तो आप मुझे विदिन हाफ एन आवर आप मुझे डेफिनेटली कॉल कर लीजिए, और मैं उसका सही जवाब, वो इसलिए क्योंकि मैं और गहराई में इन सारी परेशानियों को जान लूं, उसके बाद ही मैं आपको जवाब दे पाऊंगी कि आपकी मम्मी इस प्रोग्राम को कर सकती है कि नहीं कर सकती है। ठीक है बेटा, लेकिन लेकिन हाँ बोलिए। फोन नंबर मैम कौन सा? हाँ, फोन नंबर आप उसमें योगा क्लास में है क्या जुड़े हुए? नोट कर लीजिए अगर आपके पास पेन है तो। 8433 8 4 3 8 4 3 8 4 3 5 हाँ ये है मैम, 555553। यस, इस नंबर पे आप मुझे मिस कॉल दे दीजिए, और या तो मैं तुरंत कॉल कर लेती हूँ आपको विदिन हाफ एन आवर, या आप मुझे कॉल कर लीजिए। ठीक है, और इस बारे में ओके बेटा, मम्मी के बारे में बहुत फिक्र कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। मैं पहले और गहराई में जान लूं, और डेफिनेटली अगर मेरे से हो सका तो आपकी मम्मी को क्योर करने में, 100% क्योर करने में मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी। एक और पिछली बार आरती दवे नाम से एक महिला थी जिनके बारे में उन्होंने कहा कि मुझे जेनेटिक प्रॉब्लम है और मेरे पूरे पैरों की नर्व डेड हो चुकी हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, 2 महीने के दौरान ही उनके जो नर्व, उनकी मसल डैमेज हो चुकी थी, डेड हो चुकी थी, वो धीरे धीरे वापस से रिपेयर होने लगी, और उनके पैरों की उंगलियां और जो बिल्कुल चलना पैर बंद हो गया था उसमें बहुत सारा इंप्रूवमेंट हुआ। मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि बहुत सारी परेशानियां डेफिनेटली सॉल्व करने में मैं आपकी हेल्प करूंगी बेटा। और कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? इस कार्यक्रम को हम यहीं पे खत्म करते हैं। किसी ने कुछ पूछा? शिवानी कुछ कहना चाह रही हो? एक बार शिवानी दुबे, एक मिनट शिवानी, आपका माइक। अपने माइक को अनम्यूट कीजिए शिवानी जी। तो ठीक है, आज के इस कार्यक्रम को, इस प्रश्नोत्तर को
किसी का है? अच्छा, कोई पूछना चाह रहे? ओके, यस मैम। ओके शिवानी, बोलिए क्या कह रहे थे? मीना मागिया जी कुछ पूछना चाह रही है बहुत देर से। अच्छा, मीना? मीना मागिया जी। मीना मागिया जी, हाँ, वो बहुत दिन से देर से कुछ पूछना चाह रही है। ओके, अच्छा, वो क्योंकि मुंह में दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ सामने, तो स्टार्टिंग से वो कुछ पूछना चाह रही है। ओके ओके, अच्छा हुआ ये बात आपने बता दी, कहीं कोई गलती से मिस ना हो जाए। वेरी गुड, थैंक यू सो मच शिवानी जी। हेलो मैम। हेलो मैम, सॉरी आप छूट गए हमसे। कोई बात नहीं, मैं जोड़ने वाली हूँ आपको, आप छोड़ो या ना छोड़ो। थैंक यू रियली मीना जी, नहीं तो छूट जाते। बोलिए। नहीं, मैं मेरे को बहुत फील हो गया, पहली बेंच में मैं ज्वाइन नहीं हुई, तब भी आपने बोला मेरा प्रोग्राम आ रहा है और मैं आप ज्वाइन हो जाओ, मैं आज होने वाली हूँ ज्वाइन आप में। और वो कितने सारे लोग को मैं बता रही हूँ जिसको प्रॉब्लम है ना उसको, पर वो लोग को कन्विंस करने में मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, वो लोग उसका प्रॉब्लम बहुत बताते हैं। और 65 अबाउट है वो लोग का सबका एज, तो वो पहले वो सोच रहे हम लोग क्या हो सकते हैं इसमें, और ओवरवेट भी है, इनका प्रॉब्लम बहुत सारा है। तो उन लोग के साथ मैं बोली, मैम के साथ बात करके आपको भी बात करने के लिए पूछ के बात करवाती हूँ और ज्वाइन करवा सकती हूँ आपको, उसका प्रॉब्लम भी क्या है वो बता सकती हूँ कि नहीं ऐसा, तो उसके लिए मैं थोड़ा बात करने को मांगती थी के 65 अबाउट है, उन लोग को है इंटरेस्ट, तो वो लोग ज्वाइन होएगे या नहीं? नहीं होएगे तो मैं अकेले ज्वाइन करने वाली हूँ, होएगा तो सब ग्रुप में होएगे हम लोग, तो क्या है आपका आंसर? मीना जी, एक तो पहली बात कि आप अपनी इतनी केयर कर रही हैं और इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहती हैं, और उसके अलावा आप दूसरों के प्रति भी चिंतित हैं, ऐसी भावना अगर हर लेडी की हो जाए कि दूसरे को भी वो परेशानी से बाहर निकाले, ऐसी सोच बहुत अच्छी है। जितना आप उसको प्रेरित कर सकते हैं जरूर करें, नहीं होते कोई बात नहीं, आप उनसे मेरी बात कराइए, मैं डेफिनेटली उन लोगों को आपके साथ ज्वाइन होने के लिए तैयार करूंगी, उनको समझाऊंगी कि उसमें उन लोगों को कितना बेनिफिट है, उम्र चाहे 65 हो, चाहे 85 हो, चाहे 105 हो, किसी भी उम्र पे करके आप वेट लॉस कर सकते हैं, चाहे मेनोपॉज हो गया हो तो भी आप वेट लॉस कर सकते हैं। जो अभी वाली जो विनर है वो 52 की एज है और मेनोपॉज उनको हो चुका है, तो भी उन्होंने वेट लॉस किया और 22 केजी के लगभग इस प्रोग्राम में वेट लॉस किया है। अभी जो जागृति मकवाना जी को आपने सुना, उनका यूट्रस उनका रिमूव हो चुका है और बहुत सारी हेल्थ इश्यूज उनको थे, वो सारे के सारे उन सब के बावजूद उन्होंने अपनी बॉडी को बिल्कुल मॉडल जैसा खूबसूरत बनाया, बाहर से भी और अंदर से भी वो मजबूत बनी है। केवल शक्ल की और चेहरे शरीर की खूबसूरती काफी नहीं है, अंदर से मजबूती, ताकत और साथ में बुद्धि भी तेज होनी चाहिए, क्योंकि हमारा स्कल के अंदर जो जिससे वो बना है हमारा मस्तिष्क, वो भी मसल है, उसको भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो केवल भोजन के द्वारा, सही पोषण युक्त आहार के द्वारा, किसी भी उम्र में अपने आप को रिवर्स किया जा सकता है। बल्कि आप अपना अभी बिफोर का फोटो निकालिए और 3 महीने के बाद आप अपने आप में जो बिफोर एंड आफ्टर में जो बदलाव खुद नजर आएगा आपको, वो अमेजिंग होगा। झुर्रियां पूरी की पूरी चली जाएंगी, रिंकल्स पूरे के पूरे चले जाएंगे और शरीर चेहरा काफी सारा पतला आपका हो जाएगा, और वो देखकर दुख करें बाद में, उससे अच्छा है कि वो आपके साथ में ज्वाइन कर ले, मैं उनसे बात कर लूंगी, आप मेरी बात उनसे कराइए। डेफिनेटली किसी और को भी लगता है कि उनकी फ्रेंड तैयार नहीं हो रही या उनकी रिलेटिव तैयार नहीं हो रही, मुझे कॉल कीजिए, मैंने अपने आप को कुछ समय के लिए इस दौरान खाली रखा हुआ है जिससे मैं आप लोगों से बातचीत कर सकूं, आपकी समस्याओं को सुनकर उसे प्रॉब्लम उसको सॉल्व कर सकूं, और ये मेरा पैशन है और मैं चाहती हूं कि आप सभी लोग इसका बेनिफिट उठाएं। ठीक है, तो चिंता ना करें मीना जी, और शिवानी को थैंक यू जो उन्होंने आपके लिए एफर्ट करके मुझे इशारे करके उन्होंने कहा कि आपको कुछ कहना बाकी है, नहीं तो छूट जाते आप। थैंक यू मीना जी। ओके, और कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो इसी के साथ ही मैं वुमेन वेट लॉस एक्सपर्ट आशा अष्टा आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। ये प्रोग्राम पूरा का पूरा महिलाओं के लिए है, लेकिन उनकी फैमिली को भी पूरा बेनिफिट होगा,
वो अपनी योग क्लास में अपनी फैमिली को भी साथ में रख के वर्कआउट करे और बाकी सारे सेशन भी वो अपनी फैमिली के साथ अटेंड कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. आज के लिए इतना काफी. एंड हैव अ नाइस संडे.